हरे कृष्णा, मैं हूं नमिता पुरोहित। आई एम अ लीडरशिप एंड लाइफ कोच और आज आप सबके सामने मैं एक बहुत अच्छा टॉपिक की हम चर्चा करेंगे कि ये जो पति पत्नी का रिश्ता होता है या जो कोई भी रिश्ता होता है, ये क्या कर्म बंधन है या सही में एक प्रेम और एक ऑथेंटिसिटी वाला रिश्ता है। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे और मेरा थोड़ा सेटअप आज अलग लग रहा है बिकॉज मैं एक अलग लोकेशन में हूँ। मैं डैलस यूएसए में हूँ आज। यहाँ पे सुबह के 9:30 बजे है, 4 तारीख सुबह 9:30 बजे, और हम यहाँ से, नॉट 4 तारीख, आई थिंक इट्स 3 अप्रैल, यस। सो आज हम यहाँ से कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर शिफ्ट हो गई हूँ। मुझे अभी आज 3 वीक्स कंप्लीट होंगे, तो थोड़ा सेटअप में कमी है, लेकिन वो हम जरूर जल्दी से पूरा करेंगे। तो आप सबका स्वागत है और आज हम चर्चा करने वाले हैं कि ये जो रिश्ते होते हैं जिनमें इतना पेन होता है, कईयों में इतना रस होता है, इतनी खुशी होती है, कईयों में इतना आ, आ, प्यार होता है, लेकिन कईयों में इतना कटाक्ष होता है, कईयों में इतना मजाक उड़ाया जाता है, कईयों में कितना नीचा दिखाया जाता है, कईयों में कितनी भी कोशिश कर लो, चाहे दोनों तरफ से बहुत कोशिश हो रही हो, वो बात बनती ही नहीं है। तो आज हम इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे और ये जो रिलेशनशिप कर्मा है जो हम लेकर आए हैं, इससे हमें कैसे अपने आप को उठाना है, इससे उठाना है अपने आप को, तो वो आज हम चर्चा करेंगे। और आप सबका यहाँ बहुत स्वागत है। सीमा कसवेकर जी, शिवानी अग्रवाल जी, कपिल कुमार जी, एम कुमार जी, वरलक्ष्मी जी, वेदिका बने जी, आकाश जी, हरे कृष्णा मूवमेंट जी, नीरू कुकरेजा जी, एंड सो मेनी मोर पीपल, आपका आज सबका स्वागत है। मैं हूँ यहाँ पर डैलस यूएसए से। मैं यहाँ शिफ्ट हुई हूँ बिकॉज यहाँ पर मैं लीडरशिप ट्रेनिंग एंड कोचिंग प्रोग्राम्स के लिए आई हूँ, तो आप सबका आशीर्वाद भी लेती हूँ ताकि हम इस चीज में सफल हों और लोगों को अपनी अपनी जो बातें हैं उनसे हम जुड़े और उनका उनका लाभ हो। तो अब विदाउट फर्दर डिले हम जाते हैं हमारी स्लाइड्स पे। सो ये स्लाइड्स लेंगे और स्लाइड्स से अभी आप लोग को और अच्छे से आपको बातें समझ में आएंगी। तो यस, पति पत्नी का रिश्ता क्या सचमुच कर्मों का बंधन है? सो दैट इज आवर पॉइंट टुडे। और हम आज के एजेंडा पे फोकस करते हैं कि ये रिलेशनशिप कर्मा क्या है। वॉट इज दिस रिलेशनशिप कर्मा? ये जो कर्म का बंधन है, रिश्तों में जो कर्म होता है, कर्मों का बंधन होता है, ये क्या होता है, ये कैसे प्रकट होता है, कैसे आपके सामने आपको साक्षात्कार होते हैं आपके ही रिलेशनशिप कर्मा के। और ये बात हम 3 कहानियों से, 3 रियल लाइफ स्टोरीज से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और फिर इससे मुक्ति कैसे पाए और अपने आप को एलिवेट कैसे करें इन चीजों से, बिकॉज जो अभी जो अभी जो बीज बोया है उसको अब फल तो अब मिल ही रहा है, तो उसके साथ पे अब क्या किया जाए, कैसे ग्रेसफुली लाइफ में जिया जाए और कैसे आगे बढ़ा जाए, और फिर आपके बहुत सारे प्रश्न और डिस्कशन और आपके कमेंट्स। तो ये अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहे हैं कि रिलेशनशिप कर्मा क्या है। ये जो एक मूर्तिकार है जो हम यहाँ पिक्चर देख रहे हैं, बहुत सुंदर मूर्ति बना रहा है, बहुत ही अच्छी मूर्ति बना रहा है अपने आप को, मतलब इतनी सुंदर उसकी नक्काशी कर रहा है। कोई पत्थर में कर रहा होता है, कोई मिट्टी से क्ले से कर रहा होता है, तो ये जो मूर्तिकार है इतनी सुंदर मूर्ति बना रहा है, इतना अच्छा उसको स्वरूप दे रहा है, कपड़े पहना रहा है, उसके बाल सेट कर रहा है, उसके चेहरे पे जो एक्सप्रेशन है वो कर रहा है, और उसका पोज है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर है, उसका जो अंदर का जो भाव है वो चेहरे पे एक्सप्रेशंस लेकर आ रहा है। तो ये जो है इसको कैसे किया जाए, ये मतलब इन्होंने क्या कर रहे हैं, ऐसे ही हमने अपनी पूरी छवि इस जन्म की जो है हमने ही नकाशी है, हमने ही हमारे जीवन की जो सारी सिचुएशंस है वो हमने ही नकाशी है, हमने ही पूरा अपने आप को स्वरूप दिया है। ऑफ कोर्स भगवान की एनर्जीज है, लेकिन वो सारी चीजें जो हमारी लाइफ में आज हो रही हैं, जिन सिचुएशंस में हम हैं, जैसा हमारा स्वरूप है, जैसा हमारा भाव है, जैसे हमारे एक्शंस हैं, वो सब हमने ही नकाशा है, हमने ही बनाया है उसको। यस, और तो हमारे जो भी एक्शंस हैं पास्ट के, पास्ट लाइव्स के, इस लाइफ के, उसके कारण हम आज इस सिचुएशन में हैं,
हम आज इन रिश्तों में हैं, आज इन चीजों में हैं, और हमने लगता है कि अरे हमने कब एक्शन किया था, राइट? अभी ये जो दूसरा पिक्चर है बहुत फेमस है इंटरनेट पे, ये जो ड्राइंग है कि हमने ये डब्बों को, यू नो, ये इस डब्बों को, लकड़ी के डब्बों को हमने ऐसे धक्का मारा, अब वो धीरे 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 पूरा करके हमें ही मार खाने वाले हैं, राइट? तो हमने जो एक्शंस किए हैं वो हमें हर सिचुएशन में वो हमारी ही एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और हमें ही उन एक्शंस का फल भोगना पड़ता है। तो हमने, ऐसा नहीं है कि आज की जो सिचुएशन है उसमें कोई हमारे साथ कुछ गलत कर रहा है, या हमसे प्रेम से बात नहीं कर रहा, या हमसे जलन है उसको, या हमसे मतलब बहुत उसको देख के इरिटेशन होता है हमें, ऐसा भी होता है, राइट, कई लोगों का। लेकिन यहाँ पर जो है ये हमने ही ये सब चीजें करी हैं, किसी और के साथ करी हैं हमारे पिछले जन्मों में, और उसका फल हमें इस जन्म में मिल रहा है। तो अगर कोई हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है जो हमने हमें पसंद नहीं है, जिससे हमें पीड़ा होती है, तो हमें इस एटलीस्ट इस शो के बाद ग्रेजुअली इस रियलाइजेशन पर आना है कि हमें ये जो हमारे साथ अभी हो रहा है ये हमने किसी के साथ किया है। और आपके जो प्रश्न आ रहे हैं, आप कई लोग, क्या होता है, आप लोग शो नहीं देखते हैं, आप लोग अपने बस प्रश्न बोलते रहते हैं। माय रिक्वेस्ट इज पहले शो को अच्छे से समझिए, फिर अपने प्रश्न डालिए, और अपने प्रश्नों का भी जो उत्तर है वो भी लिख कर भेजिए कि आपको क्या लगता है इसका उत्तर होना चाहिए। ट्राई फॉर इट, ताकि आप अपने आप की कोचिंग खुद करने लगे। यस, सो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट स्लाइड है, वो अब हम देखते हैं कि ये रिलेशनशिप कर्म क्या है। और इसका एक श्लोक है पद्म पुराण में, ऋणानुबंधन रूपेण पशुपत्नी सुतालया ऋणाक्षये क्षययन्ति तत्र परिवेदना। तो मतलब हमें, हमारा हर एक जो रिश्ता है वो हमारे प्रीवियस कर्म, पिछले जन्मों का कोई ना कोई कार्मिक डेट है। कहीं ना कहीं हमने वो कार्मिक कर्म पूरा नहीं हुआ है, कुछ लेन देन बाकी रह गया है। तो अभी हमारे पास जो भी रिश्ते हैं वो कोई ना कोई कार्मिक कनेक्शन के कारण है, कहीं ना कहीं कुछ ऋण बाकी है उनमें, जिनके कारण हम उस रिश्तों में हैं। और जब वो ऋण चुक जाता है तब वो रिश्ता चला जाता है, राइट? और फिर ऐसे ही आपकी संसार में पीड़ा कम होने लगती है। तो ये पद्म पुराण का श्लोक है। तो अब आप बोलोगे कि अरे यार, ये जो रिश्ता है, मतलब ये कर्म क्या है यार, इतनी मतलब पीड़ा मिल रही है मुझे, इतना दर्द हो रहा है, इतनी चीजें मेरे साथ हो रही है, इतना मतलब, इतना क्या मैंने बुरा कर दिया यार किसी के साथ में, आई एम नॉट सच अ बैड पर्सन कि ये अब मेरे साथ ये हो रहा है और मेरे साथ वो हो रहा है वगैरह वगैरह, और ऐसा क्या पनिशमेंट दे रहे हैं भगवान? भगवान को तो काइंड होना चाहिए ना, भगवान को मुझे क्षमा कर देना चाहिए कि मैंने ये गलतियां करी है, तो ये ऐसे थोड़ी हो सकता है। लेकिन जो कर्मा का जो लॉ है उसका पर्पस जो है आपको पीड़ा देना नहीं है, उसका जो पर्पस है कर्मा का वो आपको पीड़ा देना नहीं है, कर्म का जो पर्पस है वो है आपको एलिवेट करना, आपको आगे बढ़ाना। द पर्पस ऑफ कर्मा इज वेरी काइंड, बहुत काइंडनेस है कर्मा, जो हमारे को कार्मिक रिएक्शंस में मिल रहे हैं वो एक्चुअली उसमें एक बहुत काइंडनेस है। और वो काइंडनेस क्यों है, वो काइंडनेस कैसे समझेंगे काइंड? अरे यार क्या बोल रहे हो आप नमिता जी, हमारे लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं और आप कह रहे हो कि ये कर्मा इज काइंड, कि मैंने तो क्या हुआ, मैंने इतना बुरा कर दिया तो अब मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है यार, गलती हो गई, मैं माफी मांगते, पर अब ये मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? हम कर्मा का जो पर्पस है वो है हमारे हृदय में परिवर्तन लाना, हमारी मानसिकता में परिवर्तन लाना और हमारी अभिलाषाओं में परिवर्तन लाना, वो है कर्म का पर्पस। तो अगर हम सिर्फ यही लाइफ में जूम इन करके बैठ जाएंगे कि ये रिश्ते में ये हो रहा है मेरे साथ, वो रिश्ते में वो हो रहा है मेरे साथ, आप कर्म का पर्पस समझ नहीं पाएंगे। इसलिए थोड़ा जूम आउट करना जरूरी है कि यहाँ पे ये राइट एंड रॉन्ग की बात नहीं हो रही है कि इसने गलत किया, उसने गलत किया, उसने सही किया, ये किया, वो हम ही ने किया है, वो हम ही अभी भोग रहे हैं। तो राइट एंड रॉन्ग तो परफेक्ट है, हमने ही रॉन्ग किया तो उसका भुगतान हमें हो रहा है। लेकिन क्या हम अपने आप को ये तूतू मेमे से और ये राइट एंड रॉन्ग से एलिवेट कर सकते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा जीवन इतना बेकार है? क्या हम जूम आउट कर सकते हैं और थोड़ा एक ऊंचा पर्सपेक्टिव ले सकते हैं अपने ही जीवनों का, और ये समझ सकते हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये आत्मा हूं, और मैं ये बहुत सारे जन्मों में
से गुजर चुकी हूँ और मेरा इस जीवन में जो चीजें मेरे साथ हो रही हैं उनको मैं कैसे अपने आप को ध्यान रखते हुए, अपने इमोशंस और अपनी फीलिंग्स का ध्यान रखते हुए, अपने आप को संभालते हुए, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए कैसे मैं एक ऊंची बुद्धि में स्थिर होकर, एक अच्छी हायर कॉन्शियसनेस में स्थिर होकर मैं कैसे इन चीजों को समझूं और कैसे इन चीजों से अपने आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझूं, कैसे क्षमा मांगू उन सब आत्माओं को जिनको मैंने पीड़ा दी है पिछले जन्मों में, और कैसे मैं अभी और कर्म ना बांधू और कैसे मैं अपनी डिजायर्स चेंज करूं। तो इन चीजों को अब हम समझेंगे कुछ उदाहरणों से, और कैसे मैं अपना कनेक्शन, ये सिर्फ ये एक एक जन्म में क्या हो रहा है उससे नहीं, बल्कि कैसे मैं एक हायर रियलिटी अपने भगवान में अपना ध्यान लगाऊं और ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि साइकिल से ऊंचा उठूं और एक हायर रियलिटी में जो मेरी रियल आइडेंटिटी है, मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये आत्मा हूँ, ये सब माया जाल से कैसे उठूं, ये है कर्म का रिवॉर्ड। भगवान के पास हमें कनेक्शन करना, लेकिन हम क्या है, हम भूल जाते हैं और ये हम नहीं समझ पाते। अभी यहाँ पर कुछ लोग प्रश्न डाल रहे हैं, अनिमेश सरकार जी, हाउ टू रिलीज फ्रॉम दिस रिलेशनशिप कर्मा, प्लीज एक्सप्लेन इन डिटेल। यस सर, आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि रिलेशनशिप कर्मा से कैसे निकलना, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, मेरे पास 2 मिनट वाले फॉर्मूला नहीं है। अगर आपके पास 2 मिनट वाला चाहिए ये शो मत देखिए, यहाँ पे हम डिटेल में बातें करते हैं, डिटेल में सर चीजें करते हैं। अनिमेश जी और बाकी सबके लिए भी कह रही हूँ, और आपको कई चीजें ना पसंद आए जो मैं कह रही हूँ, लेकिन मैं वो आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रही हूँ जैसा कि हमने सीखा है, और मेरी पूरी सहानुभूति सबके साथ है जो भी पीड़ा में है, जो भी एक बड़े बहुत डिफिकल्ट रिलेशनशिप में है, कार्मिक रिलेशनशिप में है, और हम क्यों निकलना चाहते हैं कार्मिक रिलेशनशिप से, ये भी एक फोकस होना चाहिए। हम ये कार्मिक रिलेशनशिप से इसलिए निकलना चाहते हैं ताकि वी फील बेटर एंड वी आर हैप्पी। यस, दैट इज अ लोअर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। हम सिर्फ एक कार्मिक रिलेशनशिप से नहीं मुक्ति चाहते, हम हमारे कर्मों से, ओवरऑल कर्मों से भी मुक्ति चाहते हैं, तो हमें वो हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को भी कल्टिवेट करना चाहिए। तो अभी आपके पास चॉइस है, आप बस ये मुक्ति चाहते हो और अपने आप को खुश रखना चाहते हो, फॉर्मूला विल वर्क, बट फॉर्मूला विल वर्क फास्टर अगर आप अपने आप को एक ऊंची हायर कॉन्शियसनेस में सिचुएट करना चाहते हो जो भगवान से कनेक्टेड है। यस, सो लेट्स गो फर्दर। और यहाँ पे कोई कह रहे हैं कि हरे कृष्णा मैम, आपकी वजह से काफी कार्मिक कनेक्शन समझे मुझे। यस, आपको बहुत सारे शोज किए हैं मैंने कर्मा पे, उनकी प्लेलिस्ट आपको मेरे इस शो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां पर भी आप इसे देख रहे हैं। तो ये एक, कभी हम एक पॉइंट समझते हैं जो भी मैंने अभी कहा उसकी ये समरी है कि हमारी जो जर्नी है, हमारा जो ये यू नो हम चल रहे हैं, गति गति में है, आगे बढ़ रहे हैं इस जीवन में, वो इसकी गति का ये नहीं है कि मैं, मेरा रिश्ता बहुत खुश हो, मेरे पास बहुत सारे पैसे हो, मैं जीवन में बहुत आगे बढ़ूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं। हमारे जीवन का यह उद्देश्य है कि इस जीवन को हम कैसे, इसमें कैसे रहें ताकि हम भगवान से मिल सकें, जो हमारे रियल फादर हैं, जहाँ पर रियलिटी है। ये सब अभी एक नाटक और एक शो चल रहा है, हम इस नाटक को रियलिटी समझ चुके हैं, हम वो शो से निकल नहीं पा रहे हैं बाहर। हम अपने आप को सोचिए, कोई एक्टर है, वो कोई टीवी सीरियल में उसने काम कर लिया या कोई सीरीज में काम कर लिया, राइट? अभी जैसे मैं फैमिली मैन का एग्जांपल लेती हूँ, राइट? एक अभी शो है उसका, 3rd सीजन 4th सीजन आने वाला है शायद कभी, तो उसमें मनोज बाजपेयी है, वो कोई रॉ एजेंट है, आई थिंक ही इज अ रॉ एजेंट, राइट? अभी वो उसने वहां पे सारी शूटिंग वूटिंग कर ली, और बाद में वापस अपने घर पे आया अपनी वाइफ के साथ में, पत्नी के पास में, और वो अभी भी अपने वो रोल में ही है, वो श्रीकांत वाले रोल में जिसमें वो रॉ एजेंट है, वो उस चीज से निकल नहीं पा रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, बेवकूफ, करेक्ट? सिमिलरली हमने इस जीवन को पूरी एक रियलिटी समझ लिया है और हम इसे निकल नहीं पा रहे अपने रियल आइडेंटिटी में, जो कि हमारी मनोज बाजपेयी वाली रियल आइडेंटिटी। हमारी रियल आइडेंटिटी नमिता पुरोहित नहीं है, एक हायर आइडेंटिटी, स्पिरिचुअल आइडेंटिटी। तो हमें इस जीवन को यूज करना है भगवान के साथ कनेक्ट होने में, अपनी रियल आइडेंटिटी में सिचुएट होने में और रियल वर्ल्ड में जाने में। ये सब मटेरियल वर्ल्ड है, ये सारे टाइम चेंज होते रहता है। तो हमें अपनी जो अभी का जो हमारा व्यक्तित्व है, जिसे हम अपने आप को समझते हैं, उससे ऊपर उठ के अपनी रियल आइडेंटिटी, स्पिरिट सोल पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लॉर्ड कृष्णा, उसके साथ कनेक्ट करना है।
नाउ वन मोर थिंग, अभी मैं ये सब भूमिका क्यों बना रही हूं ताकि आप बराबर चीजों को समझ सके। अभी मैं कुछ कहानियां आपके साथ शेयर करूंगी, आप कहोगे मुझे कि अरे उसको तो पता था पिछले जन्म में क्या हुआ है, मुझे तो नहीं पता है, तो फिर मैं कैसे आगे बढ़ू। आपको आपके पिछले जन्मों में क्या क्या हुआ था, अभी लोग ये सब शोज देखने के बाद में पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने लगते हैं। एक एक थी कोई स्त्री, उन्होंने मुझे लिख दिया कि आपको अगर हेल्प चाहिए मैं आपका पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा दूंगी, या आपके साथ जो लोग जुड़े हैं मेरे पास उनको भेज दे दिया, मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा दूंगी। मैं किसी का कोई भी, आई एम नॉट इंस्पायरिंग यू टू डू अ पास्ट लाइफ रिग्रेशन, इट इज नॉट नीडेड। आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि आपको अगर मलेरिया हुआ है तो कौन से मच्छर ने काटा है। आपको ये जानना है कि मुझे मलेरिया हुआ है और इसके आगे मुझे कैसे, इससे कैसे निकलना है, इससे कैसे हील होना है, करेक्ट? तो पास्ट लाइफ में मैंने क्या किया, किसके साथ में, और उसका मुझे अभी क्या हो रहा है, तभी मैं समझ पाके, तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगी। ये मुझे लगता है कि दैट इज नॉट हेल्पफुल टू यू। वो भी एक बचाव है कि मुझे आगे नहीं बढ़ना है तो मैं ये वाला रीजन लेके मैं एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन ना कर सकूं, राइट? इट्स नॉट नीडेड। डॉक्टर के पास में जब आप मलेरिया जाते हैं, वो थोड़ी बोलते चलो मच्छर ढूंढते हैं, किसने काटा, कब काटा, क्या हुआ, कैसे हुआ, वगैरह वगैरह। दे डोंट गेट इन टू दैट। लाइक मलेरिया हुआ है, मलेरिया से बचाव की ये सब चीजें हैं। आप मच्छरदानी में सोइए, आप नाले वाले बंद रखिए, आप गंद ऐसी जगहों पे मत जाइए, चीजों को साफ रखिए, और यू नो रेगुलर स्प्रे वे करके रखिए, राइट? वो आपको मच्छर से कैसे बचना है वो आपको बताता है और आपको मेडिसिन देता है जिससे आप मलेरिया से निकल पाते हो। तो सिमिलरली आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि पास्ट लाइफ में क्या हुआ है, मेन चीज है कि वो क्या प्रोटोकॉल आपको अभी फॉलो करना है ताकि आप इस कर्म चक्र से निकले और आप कैसे आगे बढ़े और अपने माइंड में कैसे चेंज लाएं। यस, एक उदाहरण देती हूँ आपको। एक एक किसी को मैं जानती हूँ जिनके ना, जिनको जो बच्चा हुआ था वो अपाहिज था, दिव्यांग था। यस, तो वो दिव्यांग था और उसको मतलब काफी, मतलब पूरी तरह से ध्यान देना पड़ता था। तो इन्होंने अपना पूरा पास्ट लाइफ रिग्रेशन वगैरह कराया और सब कुछ किया वगैरह, राइट? और वो करने के बाद में उनको समझ में आया कि पिछले जन्मों में भी ये जो बच्चा था और इसको इन्होंने छोड़ दिया था कोई कारण से, वो फॉर वॉट एवर रीजन छोड़ दिया था। तो वो बच्चा 3 साल का था पिछले जन्म में, तो उसको छोड़ दिया गया था और ये फिर अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए निकल गए थे, जो भी इनको उन्होंने उस टाइम पे अपनी इच्छाएं पूरी करनी थी इनको, करेक्ट? तो अब इस जीवन में जो बच्चा है वो ऐसा है कि इनको अभी पूरी तरह से उसके साथ में इतना, मतलब उसको 1 मिनट भी नहीं छोड़ सकते हैं, ऐसा वाला आपको अभी भरपाई करनी पड़ेगी, करेक्ट? आपको लगेगा अच्छा इनको समझ में आ गया पिछले जन्म में क्या किया था और अभी ये जन्म में भी ऐसा बच्चा मिला है तो ये कुछ सीखेंगे, राइट? नो, इन्होंने इस जन्म में भी उस बच्चे को त्याग कर दिया, छोड़ दिया उसको, उसको भेज दिया सेंटर में, ताकि क्योंकि मैं अब मुझे ध्यान नहीं रखना। साधन सारे थे इनको, सब कुछ था, लेकिन ठीक है आपने सेंटर में रखा, लेकिन तो फिर भी आप जाकर मिलिए अपने बच्चे का लालन पोषण उस वे में कीजिए, नहीं वो भी नहीं करना था इनको। तो आप तो अभी ये स्टोरी, और ऐसे मेरे पास बहुत स्टोरीज हैं, पिछला जन्म पूरा समझ में आ गया कि अभी ये क्यों हो रहा है, लेकिन जो वेग है खुद की पर्सनालिटी का, राइट, जो खुद की पर्सनालिटी का एक फोर्स है जो उन्होंने अपने मानसिकता को बदला नहीं है, वापस इन्होंने वही कर्मा क्रिएट किया। दे आर थिंकिंग दे कैन एस्केप बट दे आर नॉट, और वो सीख के पिछले जन्मों में जाके कुछ हुआ नहीं है। तो एटीट्यूड में बदलाव लाना जरूरी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जरूरी है, पिछले जन्मों की स्टोरीज जानना इतना जरूरी नहीं है। तो अब हम जाते हैं कुछ कहानियों में जिनके थ्रू हम समझेंगे कई सारी बातें। यस, और मेरा आप सबसे आग्रह है कि इस शो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हरे कृष्णा टीवी को आप डोनेशन दीजिए, क्योंकि हरे कृष्णा टीवी के थ्रू ये कई सारी बातें आपके साथ पहुंचती हैं, नॉट जस्ट दिस शो, कितने सारे इतनी अच्छी अच्छी चीजें होती है और ये पूरा डोनेशन पे ही चलता है चैनल। आपको लगता है कि यूट्यूब से इनको बहुत सारे पैसे मिलते होंगे, नहीं मिलते हैं इतने पैसे यूट्यूब से आपको, और आपको कहीं से अगर ज्ञान मिला है तो आपको वहां पर डोनेट करना चाहिए, ये भी एक कर्म है। यस, तो प्लीज आई विल रिक्वेस्ट द टेक टीम जी कि प्लीज आप डोनेशन का लिंक डालिए ताकि हरे कृष्णा टीवी को सपोर्ट मिले ऐसे और अच्छे अच्छे काम करने के लिए। तो अब हम देखते हैं, एक छोटी सी कहानी से शुरू करते हैं, फिर दूसरी कहानी थोड़ी इन्वॉल्व है, तीसरी कहानी बहुत डिटेल वाली है, तो बने रहिए। यस, बहुत सारी चीजें हो रही है तीसरी कहानी में, बहुत सारे लेसन है, राइट?
तो अब ये पहली कहानी है कर्मा और सर्विस। एक लेडी थी और उनका जो हस्बैंड था वो कुछ 55 ईयर्स की उम्र में कैटरैक्ट्स के कारण काफी मतलब उनको दिखाई नहीं देता था अच्छे से। अब ऐसा ऐसा प्रॉब्लम था कैटरैक्ट का कि वो सर्जरी से और ये सब चीजों से भी ठीक नहीं होता था, दवाइयों से भी ठीक नहीं, मतलब कोई स्कोप नहीं हो रहा था उसमें। तो इनका क्या काम था कि वो पूरे टाइम उनका ध्यान रख रही थी, पूरे टाइम उन्होंने, और बहुत प्रेम था पति पत्नी में, तो पूरे टाइम उन्होंने उनका ध्यान रखा, अच्छे से उनकी सेवा करी, अच्छे से सब चीजें रखी। और फिर उनको लगा कि जो भी उन्होंने ट्रीटमेंट्स वगैरह लिए, लेकिन उनको कोई बातों से ज्ञात हुआ, कुछ हेल्प वगैरह से ज्ञात हुआ। और मैं कह रही हूँ आपको ये करने की जरूरत नहीं, आपको अपने पैसे वेस्ट करने आप कर सकते हैं, बट यू डोंट नीड टू डू इट। और मैं ये काम नहीं करती हूँ तो मुझे प्लीज कॉन्टेक्ट मत कीजिए फॉर एस्ट्रोलॉजी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, ब्लैक मैजिक। आप लोग मेरे को ऐसी ऐसी चीजों के लिए आप लोग कॉन्टेक्ट करते हैं, इट्स अ वेस्ट ऑफ योर टाइम। मैं ये सब चीजें नहीं करती हूँ। आई एम अ लीडरशिप कोच, आई एम अ लाइफ कोच, आई हेल्प यू चेंज योर माइंड सेट, आई डोंट डू ऑल दीज थिंग्स। यस, तो इन्हें फिर कुछ बातों में ऐसे पता चला कि कुछ जन्मों पहले इन्हें ऐसा दिखाई दिया विथ हेल्प कि इन्हें ये समझ में आया कि शी, ये बहुत छोटी बच्ची थी, कुछ 3, 3.5, 4 साल की बच्ची थी, जो बहुत खेलती थी, मतलब खेत खलियानों में बड़ी हुई थी, और बहुत ठंड का समय था, और वो अपने एक फ्रेंड से मिलने जाती थी जो कि 2-3 किलोमीटर दूर था, लेकिन वो भागकर उससे मिलने जाती थी, फिर वो लोग साथ में खेलते थे, फिर ये 5-6 साल की हुई, फिर ऐसे हुआ। लेकिन एक बार ऐसी बरसात हुई, इतनी बरसात हुई कि वो उसे ठंड लग गई और उसे फिर निमोनिया हो गया, और ठंड लग गई और निमोनिया हो गया, और वो बहुत बीमार रही, बहुत बीमार रही। और वो मतलब पुराने जमाने का समय है जब ऐसे हीटिंग के साधन और ये सब अलग अलग साधन, मेडिसिन के साधन इतने नहीं हुआ करते थे। और इसके जो पिता हैं उन्होंने उसका मतलब बहुत अच्छे से सेवा करी, खूब प्रेम से सेवा करी, खूब प्यार से, खूब ध्यान रखा उसका, लेकिन ये चल बसी उस जन्म में। तो इस जन्म में इन्होंने अपने पिता से जो सेवा मिली थी, तो जो पिता थे इनके, ये भी एक फीमेल फॉर्म में थी, और पिछले जन्म के जो पिता थे वो उनको इस पति के फॉर्म में मिले, और उन्हें उनको सेवा करने का, मैं अलग शब्द यूज करूंगी, उनको उनकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जो ऋण था, जो इतना प्रेम का ऋण था, जो इतनी सेवा मिली थी उनको, उसको वापस करने में, उनकी सेवा करने में उसका सौभाग्य प्राप्त हुआ। और धीरे धीरे कुछ और साधन भी निकले जिनसे इनकी पति, इनके पति की दृष्टि भी वापस आ गई और वो ठीक से आगे बढ़ पाए। यस, तो ये कर्मा और सर्विस है। कोई कोई रिश्तों में हम देखते हैं कि हम ही सेवामय रहते हैं, हमें ही सेवामय रहना पड़ता है। तो ये जानना जरूरी है कि पिछले जन्म में हमने इन लोगों से सेवा ली है, बहुत सेवा ली है। तो अब ये समय है मेरा कि मैं अच्छे से इनकी सेवा करूं। मुझे क्या क्या चीजों से इन्होंने बचाया होगा पिछले जन्म में, क्या क्या मेरे लिए किया होगा, तो अभी मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं अब इनकी सेवा कर सकती हूँ। तो अपना ध्यान देते हुए आप कैसे उनकी सेवा कर सकते हैं, दिस इज कर्मा ऑफ सर्विस। यस, अब हम दूसरे इसमें जाते हैं, एक दूसरी कथा सुनते हैं कि एक स्त्री थी, कुछ 30 साल की हो गई थी, और ये भी कुछ 60s की कहानी है। तो 30 साल की हो गई थी, बहुत सुंदर थी, लेकिन वो अल्कोहलिक थी, और वो बहुत सारे पुरुषों के साथ संबंध रखती थी, एंजॉय करती थी, एक जगह पे ध्यान करके टिक नहीं सकती थी। लेकिन फिर बाद में वो कोई एक पुरुष के साथ में उसे अच्छा लगने लगा, तो उसके साथ में उसने रिश्ता बनाया, और वो बहुत कोशिश कर रही थी कि वो पुरुष उसके प्रति आकर्षित हो इस वे में कि वो लोग वैवाहिक जीवन, देवर बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड, लेकिन वो बहुत चेष्टा कर रही थी कि वो पुरुष भी आकर्षित हो, कि वो एक साथ में कि वो एक साथ में रहे और वैवाहिक जीवन को जिए। और उसको एक अंदर से बहुत क्रेविंग थी कि उसकी एक छोटी सी बच्ची हो, लड़की हो, जिसका वो ध्यान रख सके, जिसको वो पाले पोसे, बड़ा करे अच्छे से इस पुरुष के साथ में। लेकिन इसकी वो इच्छा पूरी नहीं हो रही थी,
बहुत उसने चेष्टा करी, बहुत कुछ किया, लेकिन तो वो ना वो पति ध्यान दे, ना वो बॉयफ्रेंड ध्यान दे रहा था, और वो बहुत पीड़ा में था। मतलब कई सालों से वो रिश्ता खिंच रहा था, कभी वो लोग साथ में होते थे, फिर ब्रेकअप हो जाता था, फिर साथ में होते थे, फिर ब्रेकअप हो जाता था, ऐसे बहुत समय तक उनका चल रहा था। और फिर क्या पता चला उसको, जब उसने रीडिंग करवाई अपनी, बहुत दुखी थी वो, और वो सोच रही थी कि मैं तो इतना प्रेम करती हूँ इस इंसान से, इतना ध्यान देती हूँ इनको, तो मैं फिर व्हेन आई हैव ऑलवेज बीन फेयर, मैं हमेशा फेयरनेस से काम कर रही हूँ, ये इंसान मेरे साथ में इतना बुरे तरीके से क्यों बिहेव करता है, प्रेम भी करता है लेकिन इतना बुरा बर्ताव करता है मेरे साथ में, और ये क्या हो रहा है। तो इन्हें पता चला इनके दो पिछले जन्मों के बारे में, वेयर एक बार वो फ्रांस में एक बड़े राजा की बेटी थी, प्रिंसेस थी, और वो अपने आप को बहुत ये समझती थी कि मैं एकदम परफेक्ट हूँ, मैं भगवान का पाथ एकदम परफेक्टली फॉलो कर रही हूँ, सब चीजें, सब रूल्स एंड रेगुलेशंस, मेरे को अपने आप में इतना संयम है, मैं चर्च जाती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ, सब चीजें एकदम फॉलो करती हूँ, उपवास के दिन उपवास करती हूँ और एकादशी के दिन एकादशी करती हूँ, मैं सुबह उठ के चैंटिंग करती हूँ, मंगल आरती करती हूँ, आई एम सो गुड। और उसके अंदर में बहुत सारे जजमेंट्स हो गए थे दूसरे लोगों के बारे में, जो उस लेवल पे नहीं कर पाते थे अपनी स्पिरिचुअलिटी, अपनी भक्ति, अपने जीवन को एकदम परफेक्टली वैसे नहीं जी पाते थे, तो वो अंदर ही अंदर बहुत लोगों को जज करती थी, बाहर कुछ नहीं कहती थी लेकिन अंदर ही अंदर बहुत लोगों को जज करती थी और सोचती थी कि अरे कितने लो लोग हैं, कितने बेकार लोग हैं, राइट। कि ऐसा हुआ कि वो इतनी ज्यादा उसको डिफिकल्टी होने लग गई लोगों के साथ में रहने में, कि वो नन बन गई, ताकि वो उसे लगे कि मैं सारे टाइम एक प्योर एनवायरमेंट में ही रहूं और मैं नन्स के साथ रहूंगी तो मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। तो बिकॉज वो इतनी जजमेंटल थी उस पिछले जन्म में, इसलिए इस जन्म में वो एक बहुत सारे पुरुषों के साथ संबंध रखना, अल्कोहलिज्म में बुरी तरह से डूब जाना कि अपने अल्कोहलिज्म से निकल नहीं पाए, और ये वो, तो वो जैसे जैसे लोगों को उसने जज किया, बिना आत्मीयता के लोगों को पूरी तरह से जज किया, बिना समझे कि अरे भाई सब अपने अपने जर्नी में है, ये वगैरह, आई शुड बी पेशेंट एंड टॉलरेंट, शुड नॉट जज, है ना, वो वैसी सिचुएशन में पहुंच गई जिसमें पूरी दुनिया उसको जज कर रही थी उसके बिहेवियर को वगैरह, तो उसको वो एक्सपीरियंस करना पड़ा कि उसने जो लोगों को जज किया, वो लोग जो जिस सिचुएशन में थे अपने आप को नहीं निकाल पा रहे थे, उसे खुद उस सिचुएशन में जाकर अपने आप को एक्सपीरियंस करना पड़ा कि व्हाट इट इज टू स्ट्रगल, जब आप आगे नहीं बढ़ पाते हो, अपनी आदतों को छोड़ नहीं पाते हो, इमोशनली कैसा फील होता है जब सब लोग जज करते हैं आपको, आपको कैसा लगता है। तो उसको, और ये बस उसने मेंटली किसी को जज किया था करके उसको ये वाला सिचुएशन मिला, क्योंकि उसका माइंडसेट चेंज होना जरूरी था ना, तो जब उसने वो एक्सपीरियंस किया तब जाके वो माइंडसेट ट्रांसफॉर्म करने की कोई चांस होती है, राइट। अभी जो ये था कि इसका जो रिश्ता था जिसके कारण वो जो एक मतलब ब्रेकअप हो रहा है, फिर साथ में जुड़ रहे हैं, फिर भी पीड़ा है, प्रेम करता है लेकिन अच्छे से बात नहीं करता है, इंसल्ट करता है, विवाह नहीं करना चाहता है और इसे बेबी चाहिए और वो नहीं हो रहा है, शी वॉन्ट्स अ डॉटर लेकिन अगर विवाह नहीं होगा तो बच्चा कैसे होगा, ये सब उसका था। तो उसका भी पता चला कि एक पिछले जन्म में वो पर्शिया के एक पर्शिया में थी, ईरान में थी, और वहां कर जो ट्राइबल चीफ थे उनकी बेटी थी, तो वापस मतलब एरिस्टोक्रेसी में बॉर्न हुई, मतलब अच्छे जन्म, ऊंचे जन्म हुआ उसका। और फिर क्या हुआ कि वो जो ट्राइबल्स थे उनको किसी ने कैप्चर कर लिया, तो जब वो कैप्चर हो गया तो उस जिस जिन लोगों ने उनको कैप्चर कर लिया, वो पूरे ट्राइबल के समुदाय को, उनके पूरे चीज को, पूरे ग्रुप को, तो उसमें फिर वहां पर फिर इसको शादी, विवाह करना पड़ा एक जो कैप्चरिंग पार्टी थी जिन्होंने इनको पूरा कैप्चर कर लिया, उस कैप्चरिंग पार्टी के कोई कैप्टन से, बहुत सुंदर कैप्टन से, बहुत हैंडसम आदमी से, जो कि इसका बहुत प्रेम करता था, बहुत ध्यान रखता था और बहुत साथ में था, उसके साथ इसका विवाह हो गया। लेकिन जो जजमेंटल एटीट्यूड था वो चालू ही था ना पिछले जन्मों से, तो इन्होंने उस कैप्टन को भी जज किया, अरे ये लो क्लास है, मैं तो चीफ की बेटी हूँ, अरे ये सब लो क्लास लोग हैं, और उसके मन में एक वो एक्सेप्टेंस नहीं आया था कि अरे हमको कैप्चर कैसे कर लिया, ये लोग बुरे हैं, ये लोग ऐसे है, वैसे है, ऐसे है, वैसे। लेकिन वो जो पुरुष था, जो उसका हस्बैंड था, उस जन्म में बहुत अच्छा था, लेकिन उसे लगता था अरे ये लो क्लास है, लो स्टेचर का है, मेरी ऐसे कैसे विवाह हो गया, ये वो। और उसे एक बेटी पैदा हुई उस विवाह में, लेकिन वो उस बेटी के भी लालन पोषण में उसे रस नहीं मिला, उसे एक शांति नहीं फील हुई,
वही रिवेंज, वही गुस्सा और वही ये लोकला से करके ही ऐसे ऐसे करके उसने अपने आप को सुसाइड कर लिया। उसने अपने फेट को एक्सेप्ट नहीं किया ग्रेसफुली और उसने अपना सुसाइड कर लिया। तो उस जन्म में उसने बच्ची को छोड़ा था, छोटी सी बच्ची को। वो क्रेविंग अभी इस जन्म में थी और वो पूरी नहीं हो रही थी। यस, तो जब हम किसी को कटाक्ष, किसी का मजाक उड़ाते हैं, किसी को जज करते हैं, हमें वो जीवन में जीना पड़ता है। जब हम कोई रिश्तों में किसी को प्रेम नहीं देते हैं, तो उस जन्म में जो वो कैप्टन था, वो उसका हस्बैंड था, वो इस जन्म में उसका बॉयफ्रेंड था जो उसे प्रेम नहीं दे पा रहा था, उसे नहीं मिल रहा था। तो अब ये जो स्त्री है, ये क्रोधित हो सकती है कि हाउ डेयर यू, मुझे प्रेम क्यों नहीं मिल रहा है, सब लोग मुझे जज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उसका ये रिएक्शन हो सकता है। या उसका एक दूसरा टाइप का रिएक्शन होता है, हो सकता है, जो हम तीसरी कहानी में देखेंगे। लेकिन एक दूसरा टाइप का रिएक्शन हो सकता है कि हाँ, ये जो मेरे साथ हो रहा है, ये बहुत मुझे पीड़ा दे रहा है, बहुत दयनीय स्थिति है मेरी। और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मैं स्थिति से निकलूं, लेकिन साथ ही साथ मैं भगवान से ये भी प्रार्थना करती हूँ कि जो भी मुझे लेसन सीखने हैं, इन जो भी मैंने पिछले कर्म किए हैं जिनके कारण मैं इस स्थिति में हूँ, मैं उन सब लोगों से क्षमा मांगती हूँ। उस लड़की से क्षमा मांगती हूँ, उस पति से क्षमा मांगती हूँ, उन सब लोगों को जिनको मैंने जज किया उनसे क्षमा मांगती हूँ, और मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, और इस जी मैं सीखना चाहती हूँ, भगवान से जुड़ना चाहती हूँ और आगे बढ़ना चाहती हूँ। अब आप कहोगे, अरे इसको तो पता था इसलिए पिछले जन्म में क्या किया, हमें क्या पता। ये कहानी से सीखिए आप, जो जो आपके इस जन्म में हो रहा है, वो आपने किया है किसी के साथ में। तो आपको जानने की जरूरत नहीं है कि आपने एग्जैक्टली क्या किया है, मतलब कहाँ पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके या कोई किसी के पास जाके आपको जानने की जरूरत नहीं है। जो आपके सामने हो रहा है वो एग्जैक्टली आपने किसी के साथ किया, तो तुरंत आप क्षमा मांग सकते हैं, तुरंत आप आत्ममंथन कर सकते हैं, तुरंत आप पश्चाताप कर सकते हैं, तुरंत आप अंदर ही अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। तो इन्हें क्या सीखना था? इन्हें ये सीखना था कि जज नहीं करना है लोगों को, एक्सेप्ट करना है लोगों को जैसे हैं। इन्हें ये सीखना था कि अपनी लाइफ जैसी है उसे एक एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। यस, और उन्हें ये सीखना था कि हाँ, मैं मुझे बच्ची चाहिए लेकिन वो नहीं हो रहा है, तो ठीक है, मेरी इस आवश्यकता को मैं दूसरे वे में, दूसरी बच्चियों को कोई अनाथालय में जाके, कहीं जाके उनकी सेवा करके मैं अपनी इस इच्छा को पूरी कर सकती हूँ, और जिस बच्ची को मैंने छोड़ा होगा उसे मैं कैसे आगे बढ़ूं, ये सीखना है। तो अभी इसमें एक बहुत डीप पॉइंट है, वो हम थर्ड स्टोरी में सुनेंगे। यस, तो अभी आप सब बने रहे हैं, कई कह रहे हैं, और ये सब कई सारे प्रश्न आ रहे हैं, लेकिन ध्यान से सुनते रहिए। और ये कुबेर जी एक बड़ा विचित्र सा सवाल पूछ रहे हैं, माता जी भगवान सबके सामने आके कैमरा पर सबूत क्यों नहीं देते, लोगों का भरोसा भी हो जाएगा, ऐसे हमें पूछा जाता है एथियस द्वारा। मैं अगर आपकी जगह हूँ ना कुबेर जी, मैं उनसे, मैं ना वार्तालाप करूँ ना मैं उन्हें कन्विंस करने की जरूरत कोशिश करूँ, क्योंकि वो अब क्या होता है, कई चीजें लोग अपने ही एक्सपीरियंस से समझते हैं। तो मैं अपने प्रचार में, आप उन लोगों पे फोकस कीजिए जो पॉजिटिव है, जो इस बात को समझते हैं, जिनमें थोड़ा फेथ है और आगे बढ़ना चाहते हैं। ये जो एथियस्ट है, दे नीड सम सुकृति, उन्हें आप प्रसाद दीजिए, होली नेम्स दीजिए, उन्हें उन चीजों में रहने दीजिए, उनको कन्विंस करने में आपका समय वेस्ट होगा। यस, अभी नेक्स्ट वाली जो प्रश्न कहानी है वो बहुत ही जबरदस्त, थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, और थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा आपको। यस, तो ये अभी हम देख रहे हैं कि एक पुरुष था, उसका नाम था एंथनी। एंथनी था, वो कनेक्टिकट यूएसए में रहता था, और उसे एक, ये तो मैंने बच्चों का फोटो डाला है, लेकिन वो विवाह योग्य कुंवारा था, और उसे एक लड़की से प्रेम था, उसे अच्छी लगती थी वो। लेकिन ऐसा हुआ कि वो लड़की को भी पता था वो प्रेम करता है, लेकिन उसने उसे छोड़ के उससे नहीं किया, उसका जो एंथनी था, उसका जो बेस्ट फ्रेंड था, उससे विवाह करा। यस, लेकिन एंथनी की ये ग्रेटनेस थी कि उसने मन में ना वो लड़की के प्रति कोई भी बुरी भावना रखी, ना कोई गुस्से की, ना पेन की वगैरह, ना उसने अपने बेस्ट फ्रेंड के प्रति कोई गुस्से की भावना या जलन की भावना या ऐसी कोई भावना नहीं रखी। उसने दोनों को बहुत अच्छे से गुड विशेस दिए कि उनका विवाह अच्छा चले वगैरह। हाँ, इसे थोड़ा दुख हुआ, दर्द हुआ कि अरे ये तो मेरी, मतलब मैं इससे ही विवाह करना चाहता था,
लेकिन नहीं, इसने अपनी सिचुएशन को बड़े अच्छे से एक्सेप्ट किया, यस, और उसने दोनों को गुड विशेस दी, मन से गुड विशेस दी, और मन से वो खुश था कि ये लोग आगे बढ़ के खुश हों। हाँ, तो और उसके पास वैसे पॉजिटिव फीलिंग्स थी, पता ये लगा कि वो बच गया। तो एक उसकी जो इनर गाइडेंस है उसके कारण वो बच गया, क्योंकि हम कई चीजें सीखते हैं लाइफ में, कई सारे हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, हम उन्हें वर्बलाइज नहीं कर पाते हैं, बट एक इंट्यूशन होता है और एक गट फीलिंग होती है जिसके कारण हमें, हम एक्सप्लेन नहीं कर पा सकते हैं कई बहुत सारे वर्ड्स में कि हम उस चीज में आगे जाने के लिए हम क्यों इतने इंटरेस्ट नहीं आ रहा है हमें, लेकिन फिर भी हम थोड़ा पीछे हट जाते हैं उन चीज़ों से, राइट। तो यहाँ ये पता चला कि दो जन्मों में, दो पिछले जन्मों में उसको इसी लड़की से प्रेम था, दोनों टाइम ये लड़की को उससे प्रेम था, लेकिन उसने उसे छोड़ के किसी और के साथ विवाह करा, यस। तो तीसरे टाइम, तो मतलब जो अट्रैक्शन था पिछले जन्मों का वो अभी भी था एंथनी को, लेकिन पिछले जन्मों में क्योंकि एक ऐसा एक्सपीरियंस हो गया था उसको, तो थोड़ा अगर ये पूरा नहीं हुआ तो वो थोड़ा एडजस्ट करना मतलब उसे आ गया था, यस। और एक्चुअली वो बच गया क्योंकि वो लड़की जो थी उसकी ये आदत थी, यस। तो बाद में इसने भी आगे बढ़ा अपने करियर में, इसने भी फिर विवाह किया बहुत अच्छी लेडी से, इसकी फैमिली बड़ी हुई और ये कोई दूसरी सिटी में भी इसका ट्रांसफर हो गया, यस। तो ये अपने काम में काफी बिजी था, वो लड़की का विवाह हो गया, वो कहीं चली गई, तो ये टच में नहीं थे, पुरानी बातें हैं, तो कोई इंटरनेट फेसबुक वगैरह ये सब था नहीं, यस। तो बाद में कई तीन बार इसके जीवन में अलग अलग समय पर ऐसा हुआ कि ये कोई बिजनेस मीटिंग में है और ये आड़ू खा रहा है, और आड़ू ऐसे खा रहा था कि गलती से उसका जो बीज है वो उसके गले में अटक गया, यस। और इतना बुरा अटका, इतना बुरा अटका कि वो ना उसे निकाल पाए ना गिर पाए, और मतलब इतनी भयंकर चोकिंग हो रही थी कि सफोकेशन हो रहा था कि वो मरने के द्वार पे था, यस, मृत्यु के द्वार पे था। तो उसे तुरंत केयर में लेकर गए, हॉस्पिटल में लेकर गए, और उसे वो चीज़ डॉक्टरों की मदद से निकली। फिर एक बार ऐसा हुआ कि वो यूरोप में गया था कुछ बिजनेस मीटिंग में, वहाँ पर कुछ खा रहा था रेस्टोरेंट में बैठ के, कुछ नॉनवेज खा रहा था, तो कोई हड्डी उसके अटक गई अंदर, और फिर उसे वो चोकिंग का सेंसेशन हुआ, और फिर उसे लगा कि अरे मैं तो मरने वाला हूँ, और मतलब रियली मरने वाला था सफोकेशन के कारण और वो चोकिंग के कारण, और फिर उसे वापस तुरंत एम्बुलेंस में लेके हॉस्पिटल लेकर गया गया और डॉक्टरों के थ्रू निकाला। तीसरी बार भी ऐसा हुआ कुछ समय के बाद, तीसरी बार जब ऐसा हुआ वो और भी बुरा था, हर समय वो मृत्यु के द्वार पर था, बट यहाँ तो मतलब वो पूरा जाने ही वाला था। लकीली उसे डॉक्टर मिल गए समय पर, वापस वो डॉक्टरों के पास पहुंच पाया, लेकिन वो हॉस्पिटल में भी बहुत पीड़ा में था, वो उसे वो चोकिंग बहुत बुरी हो रही थी, वो निकाल नहीं पा रहे थे जो भी चीज़ अटक गई थी वगैरह, और डॉक्टर उसकी हिस्ट्री देख रहे थे, कह रहे थे नहीं ये तो माइंड में ऐसे कर लेता है, जबरदस्ती गिट लेता है, ऐसे बार बार थोड़ी किसी के साथ में होता है। तो जब वो उस सिचुएशन में था, उस इतनी पीड़ा में था, इतनी भयंकर पीड़ा में था, बट थोड़ा सेफ हो गया था बट पीड़ा बहुत हो रही थी उसे, तब उसे एक चेहरा दिखाई दिया एकदम, मतलब एकदम उसके चेहरे के पास उसे वो चेहरा दिखाई दिया, और वो चेहरा बहुत ही मतलब ऐसा था कि जैसे बहुत ओपन में रहा हुआ है, बहुत सूरज से उसका स्किन तपी हुई है, हवा से मतलब स्किन अब्रेशन हो गए हैं बहुत सारे, और खूब सारे सुनहरे बाल ऐसे चेहरे को कवर कर रहे हैं, और वो कुछ बहुत देखने में सौम्य पुरुष नहीं था जो भी था सामने, वो बहुत ही एक विकेट, बहुत ही मतलब उसके चेहरे पे जो एक्सप्रेशन था वो बहुत ही गंदा सा था, बहुत ही ऐसा था कि मार डालूंगा तुम्हें टाइप का, राइट। और उसे वो चोकिंग फील हो रही थी, और जैसे उसको वो हुआ वो भगवान से खूब प्रार्थना करने लगा, और फिर उसे समझ में आया कि देखो उस समय में भी भगवान से प्रार्थना करना मतलब कितनी अच्छी कॉन्शियसनेस थी उसकी, राइट। तो उसे फिर समझ में आया कि उसे धीरे धीरे ये ज्ञात हुआ कि एक्चुअली वो पुरुष वो खुद है, उसे ऐसा फीलिंग आई कि ये जो मुझे सामने दिख रहा है दिस इज मी। और ऐसा हुआ कि बाद में वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ, ठीक हुआ वगैरह, वो बहुत उसने सोचा ये क्या है, कैसे क्या हो रहा है वगैरह, ये क्या मैंने क्या देखा वगैरह। बाद में उसके फ्रेंड का एक फोन आया उसको, और बाद में जो फ्रेंड है उसने बोला कि अरे यू नो मैं सपने में ऐसा देखा कि ऐसे एक चेहरे वाला आदमी था, ऐसा उसका जो चेहरा था धूप से तपा हुआ था,
हवा के कारण उसकी स्किन बहुत रफ हो गई थी और उसके बहुत सुनहरे से बाल थे, पूरे फेस को कवर कर रहे थे और वो बहुत विकेट एक्सप्रेशन के साथ में ऐसा लग रहा था किसी को मार डालने वाला है। तो एंथनी को लगा अरे ये तो मुझे सेम दिखाया, और फिर फ्रेंड ने बोला कि मुझे लगा वो तुम थे, ऐसे मुझे आभास हुआ उस स्वप्न में। एंथनी ने बोला मुझे भी सेम टू सेम चीज दिखी है, पर स्वप्न में नहीं दिखी है, मुझे साक्षात दिखी है और मुझे भी ऐसा आभास हुआ कि मैं ही हूं। तो बाद में ये और सोचने लगा कि ये क्या है क्या है क्या है, राइट। बाद में ये इसने भगवान से बहुत प्रार्थना करने करने लगी, बहुत प्रार्थना करने लगा, बहुत अच्छे से भगवान से प्रार्थना करने लगा कि मुझे बार बार चोकिंग क्यों हो रही है, क्योंकि ये पायस था, ये अच्छा इंसान था, तो इसे इतना समझ में आ रहा था कि बार बार मुझे कुछ हो रहा है, मेरे ही कुछ कर्मों का फल है, और समझ नहीं पा रहा था क्या है। भगवान से प्रार्थना करने लगा, खूब डिटेल में, मतलब बहुत अच्छे से प्रे करने लगा भगवान से सिंसियरली। और एक दिन इसने इसे वापस वो गले में चोकिंग सेंसेशन हुआ, जबकि इसने कुछ खाया नहीं था, लेकिन उसे ये फीलिंग आई वापस बुरी वाली, तो वो बहुत इंटेंसली उसने भगवान से प्रे किया, बहुत इंटेंसली उसने भगवान से प्रे किया। और जब उसने प्रे किया तब उसे ये समझ में आया, ये दिखा, जब हम भगवान से अच्छे से प्रे करते हैं तो भगवान, और जब हम एक बहुत डीप जोन में चले जाते हैं फुल सरेंडर फुल फेथ के साथ में, तो कृष्णा गिव्स अस द नॉलेज विच वी नीड, राइट। बिकॉज भगवान से ही हमें रिमेम्बरेंस और फॉरगेटफुलनेस आती है, 15वें अध्याय में भगवान ने कहा है। तो भगवान उसे थोड़ा सा ज्ञात कराते हैं कि वो जो स्त्री थी जिसके साथ वो इस जन्म में विवाह करना चाहता था लेकिन वो नहीं हो पाया, और पिछले 2 जन्मों में भी वो विवाह करना चाहता था वो नहीं कर पाया, एक जन्म में ये स्त्री भी इसने वापस, ये मतलब चौथा जन्म बता रही हूँ, राइट, ठीक है, 3 जन्म, एक प्रेजेंट, 2 पास्ट के, अभी एक और जन्म, राइट, थर्ड पास्ट जन्म, फोर्थ जन्म, राइट। तो वो उस जन्म में भी इस स्त्री ने इसके प्रॉमिस किया शादी विवाह करने का, और फिर वो छोड़कर चली गई, जा रही थी। तो उस जन्म में जो बहुत पिछला जन्म था, एंथनी इतना पर्सनली इवॉल्व नहीं था, तो उसने उस जन्म में उसका गला घोट के उसे पकड़ने की कोशिश करी ताकि वो ना छुड़ा पाए, और उसकी मृत्यु हो गई। तो कर्मा तो था एंथनी के ऊपर, उसने इस लड़की को की मृत्यु कर दी थी, मतलब उसको मार डाला था गला पकड़ के, तो वो कर्मा तो था। लेकिन अब आप सोचोगे एंथनी इतना छोटे में कैसे बच के निकल गया, सिर्फ गले में थोड़ी चोकिंग हुई 3-4 बार और वो डॉक्टर के पास चला गया और ठीक हो गया। वो छोटे में इसलिए बचा क्योंकि बाद में आगे के जन्मों में उसने अपने आप की बुद्धि में परिवर्तन लाया, उसने अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाया, तो भगवान की ग्रेस से उसे सिर्फ चोकिंग का सेंसेशन फील हुआ और वो बच गया हर समय, वो उतने मुश्किल से नहीं गुजरा कि ही हैड टू एक्सपीरियंस डेथ ऑल्सो। और उसमें उसने जब इतना अच्छे से प्रे किया, भगवान ने उसे वो दर्शन दिए, और उसने उस जब उसे वो ज्ञात हुआ प्रेयर करते वक्त, और जब भगवान ने उसे बताया दिखाया उसे दिखा विजन, तब उसे समझ में आया कि उसने उस सिचुएशन में प्रे किया कि भगवान प्लीज आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने जो ये एक्शन लिया है। उसने उस स्त्री से क्षमा मांगी उन प्रेयर्स में, भगवान के पास जब प्रे कर रहा था, तो कि वो स्त्री मुझे आप क्षमा कर दीजिए, मैंने आपके साथ ऐसे किया, और उसने भगवान से उसके लिए भी क्षमा मांगी कि अरे ये 4 जन्मों में मुझे इसने प्रॉमिस करके कि मुझे छोड़ चुकी है, तो मैं भगवान आप इसके भी एक्शंस को आप क्षमा कर दीजिए, और मेरा जो एक्शन है उसके लिए मैं पूरी क्षमा चाहता हूँ, मैंने बहुत गलत किया उस स्त्री के साथ में वगैरह, और मैं क्षमा चाहता हूँ। तो ऐसे करके उसने बहुत प्रेयरफुल मूड में, बहुत मन में, मतलब आत्ममंथन करते हुए, पश्चाताप करते हुए, उसने भगवान से खूब डीप सिंसियर प्रेयर्स करी, राइट। फिर क्या हुआ, वो सो गया। दूसरे दिन जब वो उठा, उसे उसे बहुत लाइट फील हुआ, वो बार बार अपने गले को पकड़ रहा था कि अरे वो सेंसेशन तो वापस तो नहीं है वगैरह, लेकिन उसे अंदर से बहुत लाइट फील होने लगा। और फिर उसके घर का फोन बजा, अभी उसे ये लग रहा था कि क्या मैंने, क्या मुझे रियली क्षमा मिल गई है कि नहीं, मुझे कैसे समझ में आएगा मुझे क्षमा मिली है कि नहीं।
दूसरे दिन उसे वो जो स्त्री है जो 4 जन्मों से इसको विवाह का प्रॉमिस करके छोड़ देती है और दूसरे से विवाह कर लेती है, उस स्त्री का ऐसे फोन आता है, कहती है कि अरे कैसे हो तुम। और बाद में कई यहाँ वहाँ की बातें करते हैं, फिर पता लगता है कि इस स्त्री ने उस फ्रेंड के साथ भी डिवोर्स हो गया था, फिर दूसरा विवाह किया उससे भी उसका डिवोर्स हो गया, और अभी वो वापस इसी की सिटी में आ गई है। और बाद में वो उसे बोलती है कि क्या तुमने मुझे क्षमा कर दिया, मैंने तुम्हें बहुत गलत वे में ट्रीट किया, प्रॉमिस करके मैंने तुम्हें छोड़ दिया, क्या तुमने मुझे क्षमा कर दिया, प्लीज मुझे क्षमा कर दो। और इसे फिर आभास हुआ कि अरे नहीं, मैंने तो पूरी तरह से तुम्हें क्षमा कर दिया, मेरे मन में कोई वो नहीं है, आई एम जस्ट हैप्पी कि तुम अपना जीवन ये करो। लेकिन उसे जब इस स्त्री का फोन आया तब उसे ये समझ में आया कि जब मैंने लेसन सीखा और जब मैंने सिचुएशन को समझा और अपनी सिचुएशन की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, भगवान से प्रार्थना करी, तब मुझे क्षमा मिली। और उसे फिर वो चोकिंग का सेंसेशन कभी नहीं हुआ, तो मतलब ही वॉज रिलीज्ड फ्रॉम दैट कर्मा। तो अभी उसे ये ग्रेस क्यों मिला, वो कैसे बचा इन सिचुएशन से, राइट? वो कैसे उस रिलेशनशिप कर्मा से बचा कि उसे उसने वापस उस स्त्री के साथ विवाह नहीं हुआ, क्योंकि वो स्त्री का एक नेचर था टू प्रॉमिस एंड देन टू ब्रेक, है ना? तो वो कैसे उससे भी बचा और कैसे इस सिचुएशन में कितनी सारे चोकिंग इंसिडेंट से बचा और कैसे उसका, इट वॉज बिकॉज ऑफ हिज सिंसियरिटी। एक था कि वो डिसेंट था इस स्त्री के साथ में, इस जन्म में उसने अगर बुरा किया उसके साथ में भी, उसने अपने उन गलत वाले वेगों को जो पिछले जन्मों में था उसने अपने आप को कंट्रोल किया, और इस जन्म में भी वो इस स्त्री के साथ में डिसेंट था, अपना जो फ्रेंड था जिसने उसके साथ विवाह कर दिया उसके साथ में भी डिसेंट था, कोई घृणा नहीं रखी, कोई नेगेटिव फीलिंग्स नहीं रखी उसने, समझे? और बाद में इसको ये कुछ मेरी 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 ईगो को हर्ट किया, मेरे प्राइड को हर्ट किया, हाउ डेयर, हाउ डेयर, ये सब टाइप की भी बातें नहीं थी उसके मन में। तो सिंपल सादा भगवान का इंसान था, पॉजिटिव था, हर सिचुएशन को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ रहा था भगवान का प्रसाद समझ के। और जब उसे अपना कर्म समझ में आया तो उसने और पूरी तरह से उससे क्षमा मांगी और मनी मन उसके लिए भी क्षमा मांगी, राइट? तो एक ये जो था, ये जो कैरेक्टर इसका अच्छा था, भगवानमय था, जैसा भगवान को जो क्वालिटीज पसंद है वो उसमें ये क्वालिटीज थी, तो उसके कारण उसमें वो एक विल पावर और एक स्ट्रेंथ था टू प्रे टू गॉड एट द राइट टाइम एंड फॉर प्रॉपर ग्रेस एंड गाइडेंस, यस। और फिर वो कर्मा एक्ट नहीं हो रहा था उसकी लाइफ में, उसकी लाइफ में ग्रेस, भगवान की जो दया है, असीम अनुकंपा है, वो उसे आगे बढ़ा रही थी। तो अब हम जब अपने जीवन के इन रिलेशनशिप कर्मों को देखते हैं, कई सारी मैंने कहानी शेयर करी है, पर यहां पर ये एंथनी जैसे अगर हम बने, अपने कैरेक्टर को अच्छा बनाए, भगवानमय बनाए, भगवान को जो क्वालिटीज भगवान ने भगवद गीता में कही हैं उन क्वालिटीज को फॉलो करें, भगवान के साथ कनेक्ट हो। ही वॉज अ वेरी गुड क्रिश्चियन, एंथनी एक अच्छा क्रिश्चियन था, फॉलो करता था अपनी चीजों को बराबर से, क्रिश्चियनिटी को, यस। तो अगर हम भी भगवान के पथ पर आगे बढ़े, अपने कैरेक्टर में परिवर्तन लाएं, अपनी नीची जो बातें हैं, नीची जो सोच है उससे अगर हम ऊपर उठें और एंथनी जैसी कुछ चीजें भी फॉलो कर पाए भगवान को याद करते हुए, तब हमें भी रिलेशनशिप कर्मा से प्रोटेक्शन मिलेगा। एंथनी को कैसे प्रोटेक्शन मिला, इस स्त्री से विवाह ना होकर, और कई सारी चीजें ऐसे हैं। तो ये हम, और इसे रियलाइजेशन भी हुआ, ही सीक फॉरगिवनेस, और उसको सिर्फ एक टोकन मिला, इसकी तो मृत्यु होनी थी गला घुट के, बट उसे सिर्फ एक टोकन मिला। तो ये जब हम भाव रखते हैं तब हम रिलेशनशिप कर्मा से आगे बढ़ सकते हैं। तो मुझे बताइए कि आप कैसे, आपको क्या लेसन्स मिले हैं, थोड़ा शेयर कीजिए। अभी मैंने कितने समय से मैं बहुत सारी चीजें ये शेयर करिए आपके साथ में, 3 कहानियां शेयर करिए, कुछ बेसिक गाइडिंग प्रिंसिपल शेयर करे हैं। तो पहले आप शेयर कीजिए कि आपने कैसे क्या लेसन सीखे हैं इस चीज से, यस। आपको क्या लेसन समझ में आया कि आपको अपनी लाइफ में क्यों फॉलो करना है, नहीं तो क्या मैं बोलती रहूंगी, आप सुनते रहोगे। मैं चाहती हूँ कि आप क्या फॉलो कर सकते हैं, क्या आपने लेसन सीखा है, आप वो लिखिए यहाँ पर। तो मैं यहाँ देख रही हूँ कई लोगों ने कुछ कुछ अच्छी बातें लिखी हैं। नैना द्विवेदी जी, आप बिल्कुल सही बात कह रही हैं, जो जैसा है उसी फॉर्म में एक्सेप्ट करना चाहिए, यस। तभी हम एक हायर रियलिटी में फॉलो कर सकते हैं। नैना जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। और यहाँ पर कोई कह रहे हैं वी लिव इन रिलेशनशिप मोहा। हाँ, लेकिन वो मोहा इसलिए है संजीव जी, ताकि हम
क्योंकि हमारे पास में भगवान के साथ कनेक्शन नहीं है तो हम कहीं और मोह लगा देते हैं। स्वप्न प्रिया जी, यू शुड नेवर लीव गुरु एंड गौरांगास लोटस फीट। यस, लेकिन कई लोग गुरु और गौरांगा की लोटस फीट पकड़ के भी बहुत सारे अपराध करते हैं, जैसे हमने शुरुआत की जो कहानी है स्टोरी नंबर वन। तो स्वप्न प्रिया जी, एक और थोड़ा डिटेल वाला आंसर दीजिए। इट इज नॉट जस्ट गुरु एंड गौरांगा, यू नो वो दैट इज नॉट अ कैच ऑल फॉर एवरीथिंग। थोड़ा नेक्स्ट लेवल का आंसर दीजिए। मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा और सोचें और उसको इंटरनलाइज करें। गीता जी कह रही हैं कि जो भी हमसे हमारे साथ होता है हमारे ही कर्मों का फल होना चाहिए और हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए। वेरी नाइस। ये टेक फॉरगिवनेस फ्रॉम एवरीवन, आई डोंट नो व्हाट यू मीन अनिमेश जी। कुंती जी कहते कि कुंते जी फॉरगिव एंड आस्क फॉर फॉरगिवनेस फॉर पीपल हु हैव हर्ट अस एंड आई लर्न्ड क्षमा भाव रखना चाहिए। यस, देखिए कितने अच्छे अच्छे लेसन आपके साथ सामने आ रहे हैं। और फुल सरेंडर टू श्री कृष्णा, अनिमेश जी फुल सरेंडर टू कृष्णा, या किसी और ने लिखा होल्ड ऑन टू गुरु एंड गौरांगास फीट, दे आर नाइस थिंग्स, बट वॉट डज इट मीन फॉर यू एग्जैक्टली, उसका मतलब आपके लिए क्या है इस सिचुएशन में, वो लिखिए थोड़ा। और टॉलरेट एवरी सिचुएशन, करेक्ट, यस, लेकिन सिचुएशन को टॉलरेट कीजिए, अपना भी ध्यान रखे रहे। तो सेल्फ केयर एंड अदर पीपल्स केयर, खुद का ध्यान रखते हुए, अपने इमोशंस को समझते हुए, अपनी अपनी माइंडसेट का ध्यान रखते हुए, अपने नीड्स एंड फीलिंग्स का ध्यान रखते हुए आगे बढ़िए। और एक चीज हमें सब समझ लेना चाहिए, ये बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, वो आपको कई सारी चीजों का फॉर्मूला देते हैं। मैं आपको ये कहती हूँ कि आपकी हर इच्छा लाइफ में पूरी नहीं होने वाली है, इट्स अ गिवन, नहीं पूरी होने वाली है। मोटिवेशनल स्पीकर्स आपको ये सिखाते हैं ना, ये कर लो आपकी ये सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, ये कर लो ये हो जाएगा, वो नहीं होगा। आपको सुखी जीव आप तब हो पाओगे जब आप एक्सेप्ट कर पाओगे कि ये मेरी लाइफ में ये चीजें वर्क कर रही हैं, इसमें मेरे को पॉजिटिव होता है, इजीली मेरा काम होता है, लेट मी फोकस ऑन दोज एस्पेक्ट्स इन लाइफ। जिन चीजों में नहीं हो रहा है कुछ, यू नो, बराबर से फोकस नहीं होता है, काम नहीं बढ़ता है मेरा आगे, उनमें मेरे को दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, बिकॉज ये कर्मों का फल है आपका। यस, सो थैंक यू। यस, तो आपने अच्छी अच्छी चीजें शेयर करी है। अभी हम आपके लेंगे बहुत सारे प्रश्न। तो लेसन्स एज वी क्लोज, मैं अपनी सिचुएशन के लिए पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल हूँ। मेरे साथ जो भी हो रहा है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये एक एक्चुअली बहुत लिबरेटिंग थॉट है। तो एक्चुअली आपको एक फ्रीडम फील होता है कि जो भी मेरे साथ हो रहा है उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो आप किसी और के लिए वेट नहीं कर रहे हो कुछ चेंज करने के लिए, आप खुद ही, तो आप उसमें फंसे नहीं हो, मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ और मैं आगे बढ़ सकती हूँ। यस, तो मैं ये जो हेट्रेड है, द्वेष है, गुस्सा है, जेलसी है, एंगर है, अनफुलफिल्ड एक्सपेक्टेशंस है, इन चीज़ों से मुझे ऊपर उठना है अपनी नीड्स का ध्यान रखते हुए। अगर आप अपनी नीड्स का ध्यान नहीं रखोगे, फुल सरेंडर टू कृष्णा या ऑलवेज होल्ड ऑन टू गुरु एंड गौरांगा, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, वो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। लेट्स नॉट डू दिस बड़ी बड़ी बातें, आपके लिए उसका मीनिंग क्या है वो लिखिए। यस, तो जब मैं इन, मेरा ये लेवल है कि मैं अपनी नीड्स को समझ के अपना ध्यान रखते हुए कैसे इन चीजों को फॉलो कर सकती हूँ। यस, दैट इज द की। हाँ, और मुझे, मैंने जो एक्शंस किए, मुझे जानने की जरूरत नहीं मैंने पास्ट में मेरे साथ में मैंने किसके साथ क्या किया, किसने मेरे साथ क्या किया, ये जो सामने मुझे हो रहा है वो एक्चुअली प्रूफ है कि मैंने ये किया है किसी के साथ में। तो मैंने जिनको भी ये सेम बिहेवियर किया है, मैं हृदय से उनसे क्षमा मांगती हूँ, और मुझे मेरे माइंडसेट को, ये भगवान मुझे प्लीज एलिवेट कीजिए ताकि मैं मेरे माइंडसेट को प्योरीफाई कर सकूं, ताकि मैं आप जैसा चाहते हैं वैसा बन सकूं, और भगवान मेरा ये जो जीवन है वो आपकी सेवा में प्रस्तुत रहे हमेशा, मैं हमेशा सेवामय रहूं आपके लिए। क्योंकि जब हम भगवान की सेवा में कनेक्टेड रहते हैं तब हम हर चीज को एक भगवान की सेवा देखते हैं, तो हम ये इमोशन से थोड़ा उठ पाते हैं। तो विशिंग एवरीवन ऑल द वेरी बेस्ट। अब हम लेंगे आपके बहुत सारे प्रश्न, तो लेट्स हैव योर क्वेश्चंस। यस, कैन कीप द टॉपिक फोकस्ड ऑन, क्वेश्चन फोकस्ड ऑन द टॉपिक। यस, तो ताकि हम सबका लाभ हो। और अगर आपके पास में कोई रियलाइजेशंस हैं आप वो भी शेयर कीजिए, वो भी आप शेयर कीजिए ताकि हम सब आपसे सीख सके आपके रियलाइजेशन से। यस, सो टेकिंग सम क्वेश्चंस, टेक टीम जी। सब कुछ सिचुएशन एंड रिलेशनशिप श्री कृष्णा को सरेंडर करके, जो भी हो उसको श्री कृष्णा जी की इच्छा है।
वेरी नाइस रियलाइजेशन, आई लाइक टू एड वन टू दैट. श्री कृष्णा जी की इच्छा है और थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी, मेरे कर्मों का फल है. नहीं तो हम सोचेंगे कि हम थोड़े एलिवेटेड हो गए हैं तो हम भगवान हमारी लाइफ में चीज़ें ऑर्केस्ट्रेट कर रहे हैं. हम उतने एलिवेटेड नहीं हुए हैं अभी भी, हमारी लाइफ में कर्मा, लॉट ऑफ कर्मा इज ऑर्केस्ट्रेटिंग थिंग्स. तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जरूरी है. यस, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट वट एवर. टेक टीम जी, माता जी, हाउ टू इग्नोर एवरी वन? वाई डू वॉन्ट टू इग्नोर एवरी वन? Why do you want to ignore everyone? I don't understand the question. Give some more details. And in general, not everyone is bad to you. Sometimes हमको भी हमारे attitude में थोड़ा सा shift लाना पड़ता है. जब हम अपने आप को heal करते हैं, अपनी needs और feelings का ध्यान रखते हैं, तब हमें इतना negativity नहीं feel होती है. दूसरा, हम दुनिया में लोगों को ignore करके अकेले ऊपर आगे नहीं बढ़ सकते हैं. वर्टिकल रिलेशनशिप भगवान के साथ, गुरु वगैरह के साथ अच्छा है, लेकिन हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप्स में भी कैसे रहना, वो भी एक प्योरिफिकेशन है हमारा, एक शुद्धिकरण है. और एक दूसरे की लाइफ में कैसे कंट्रीब्यूट करते हुए, एक दूसरे की लाइफ में कैसे साथ देते हुए आगे बढ़ना, ये भी हमारे जीवन में होना चाहिए, नहीं तो हम मैच्योर नहीं हो पाते हैं. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. कुबेर, माता जी, अगर किसके साथ कई गलत या दुष्कर्म होता है तो क्या ये उस व्यक्ति के, या आई थिंक दैट वॉज द होल क्वेश्चन, द होल शो, कि अगर आपके साथ में कुछ हो रहा है, द सेफ पोजिशन टू एक्सेप्ट दिस, ये मेरे कर्मों का फल है. दैट इज द सेफ पोजिशन. नहीं तो हम सोचेंगे भगवान ने ऑर्केस्ट्रेट किया है, ये किया है, वो किया है. वो सब सिर्फ आपका ईगो डिसॉल्व नहीं होता है, उससे आपको अभी भी लग रहा है कि नहीं, मैंने कोई गलती नहीं करी है, ये ऐसे ही मेरे साथ हो रहा है. तो हमें थोड़ा सीखना पड़ेगा, जेंटली एक्सेप्ट करते हुए, जेंटली धीरे धीरे एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये मेरे ही दुष्कर्मों का फल है जो मुझे भोगना पड़ रहा है, और मुझे ये सिचुएशन को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना है. हाँ, प्रैक्टिकली मुझे जो इसमें बचाव करना है, बाउंड्री सेट करनी है, जो कुछ कुछ करना है, वो सब मैं करूँगी. लेकिन यस, इंटरनली ग्रेसफुली आई हैव टू एक्सेप्ट दिस इज माई कर्मा कमिंग बैक टू मी. तो जो भी मेरे साथ दुष्कर्म कर रहे हैं, मुझे उनके प्रति द्वेष नहीं रखना है. हाँ, मुझे उनसे थोड़ा बच के रहना है, क्योंकि अभी शेर तो काटेगा, तो थोड़ा तो दूर रहना है उनसे, लेकिन इंटरनली फुल्ली एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. थैंक्स सो मच माता जी, आप बहुत अच्छा बताया. थैंक यू राधिका जी, थैंक यू सो मच. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. I request the tech team ji to, I don't understand a lot of these questions that are there, because ye kuch, you know, bahut generic type ke questions hain. Divorce ke baad families ko kaise sambhala jaye? I don't know how to answer this question, because ye bahut specific hai. To ya to aap detail mein questions likhiye, you know, yeah, sorry, yes. Next question please. Meena Reddy. Okay, that is the lesson she is sharing. Be kind to enemies. We must first learn to forgive, accept people as they are. Yes, and we can be forgiving to people when we have healed. क्योंकि अभी क्या है, हमारी जो consciousness है वो ऐसी है कि हमने सब चीजों को लिया है कि अरे मेरे साथ बुरा हुआ है, या you know, we are still in pain. और फिर उस pain के कारण एक क्रोध आता है, और क्रोध के कारण हम forgive नहीं कर पाते हैं. तो इसलिए अपने पेन को हील करना, माइंडसेट को प्रॉपरली एडजस्ट करना, और अपने पेन को समझना, हील करना, अपनी नीड्स फीलिंग्स को समझना. हमारे पास में टेक चार्ज ऑफ योर इमोशंस फ्लैश कार्ड्स हैं, आप वो खरीद सकते हैं हमारे ऑनलाइन स्टोर से. वो मतलब मेरे ऑनलाइन स्टोर से उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं. तो वो अपनी नीड्स और फीलिंग्स को समझ के अपने आप को कैसे हील करना और आगे बढ़ना. तो फॉरगिवनेस के लिए हीलिंग खुद की भी ज़रूरत है, तब आप फुल्ली फॉरगिव कर सकते हैं. हाँ, जो एलिवेटेड लोग हैं वो कोई चीज़ को पर्सनली नहीं लेते हैं, वो हर चीज़ को अच्छे से समझते हैं, और वो हर्ट ऐसे नहीं होते, तो इट इज़ ईजियर फॉर देम टू फॉरगिव. तो अपने आप को एलिवेट करने के लिए माइंडसेट में परिवर्तन लाना है, और अपनी नीड्स और फीलिंग्स को आगे बढ़ना है. एंड बी काइंड टू एनिमीज, वी मस्ट लर्न टू फॉरगिव. यू कैन बी काइंड बट यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ ऑल्सो. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. सोनू सिंह राजपूत जी,
we all should be sattvic in every field, whether it is service or teaching. Okay, that's a nice comment. We all should be sattvic. So that's a demand you have on yourself, a must you have on yourself. मेरा थोड़ा टेक अलग है. मेरा ये कहना है कि पहले आप समझो आप कहाँ पे हो, कितना रजगुण है, कितना तमगुण है. और सात्विक के एंथ लेवल पे आप ऐसे एक बार में एक भगवद गीता पढ़ के नहीं पहुंचने पड़े. अपना लेवल समझिए और नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ से मैं नेक्स्ट स्टेप क्या ले सकता हूँ, थोड़ा और ये रजगुण और तमगुण को कैसे डिजॉल्व कर सकता हूँ, आगे बढ़ सकता हूँ, वैसे सोचिए. यस, नेक्स्ट कॉमेंट क्वेश्चन प्लीज. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. सनी सिंह जी, हाउ आस फॉरगिवनेस टू लॉर्ड व्हेन वी बिकॉज ऑफ फॉल्स ईगो कंसिडर्ड आवरसेल्फ सीनियर. यस, वेरी नाइस भाव है सनी सिंह जी. आप ये अपने आप को कैसे समझ सकते हैं, कैसे आप जैसे जैसे हमने एंथनी के एग्जाम्पल में देखा, आपको ये ऑलरेडी ज्ञात हो गया कि मैंने अपने आप को सीनियर समझा है, दूसरे लोगों को नीचा समझा है वगैरह वगैरह, राइट. पहले हमें ये समझना है कि हमारे को जो भी आता है, जो भी हम बोल पाते हैं, कर पाते हैं वगैरह, वो हमारी एबिलिटीज नहीं है. अहम पौरुषम निशु, कृष्णा भगवान ने ही हमें वो एबिलिटीज से ब्लेस किया है. दूसरा, हमारे को जो भी आता है वो हमने हमारे पेरेंट्स से सीखा है, हमारे टीचर्स से सीखा है, हमारे गुरुओं से सीखा है, हमने भक्तों के संघ में सीखा है. तो ये जो मेरे पास में है वो मेरा नहीं है. यस, और मैं सिर्फ एक वाया मीडिया बनके अपने आप को सेवा में रह सकता हूँ. तो ये समझते हुए आप रोज सुबह अगर आप उठते हैं, आप अपना जो भी दिनचर्या होता है, उसके बाद में आप आरती वगैरह करते होंगे घर में, जो भी करते हैं, उसके बाद में आप मे बी सूर्य को जल देते हैं, पितरों को तिला जल देते हैं, उस समय आप बोल सकते हैं कि आई एम सॉरी. ये चार चीज होपोनोपोनो, इस पर मैं पूरा शो कर चुकी हूँ. और ये तो आप ये कहिए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी. उन सभी आत्माओं को इस जन्म में और पिछले जन्मों में जिनको मैंने जज किया है, जिनको मैंने ये किया है, और इस जन्म में भी जिनको मैंने जज किया, उनका ध्यान करते हुए प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू. ये चार चीजें बोलिए दिन में, तीन बार बोलिए आपकी पूजा के बाद या आपका जो साधना है उसके बाद. और धीरे एवरी डे सीक फॉरगिवनेस, एवरी डे भगवान से क्षमा मांगे और उनके लिए प्रे कीजिए कि वो लोग आगे बढ़े लाइफ में. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. सोनिया अरोरा जी, इट इज सो डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट इन फ्रंट ऑफ द पर्सन, हाउ टू हैंडल इट. अगर आप किसी के सामने अपनी गलती नहीं मान सकते हैं, आप एटलीस्ट भगवान के सामने मानने की चेष्टा कीजिए. और उसके लिए थोड़ी विनम्रता, ह्यूमिलिटी की जरूरत है. हम ये थोड़ा सोचते हैं ना, क्योंकि जीवन में आगे बढ़ने के लिए और जैसा ये जो मृत्यु लोक है उसमें जो लोग परफेक्ट होते हैं उन्हें अप्रिशिएट किया जाता है, तो हमें लगता है कि हमें भी हर चीज में परफेक्ट होना है. तो फिर हम अपने आप को एक परफेक्शन में प्रोजेक्ट करने लगते हैं और हम अपने आप को भी बिलीव कराने लग जाते हैं कि हम परफेक्ट हैं. लेकिन हमें एज वी गेट ओल्डर वी हैव टू रियलाइज आई एम नॉट परफेक्ट, मेरे खुद के बहुत सारे फ्लॉज वगैरह हैं. तो ये जो परफेक्शन का प्रेशर जो हमारे ऊपर है उसे हम थोड़ा कम करें अपने आप पर, तब हम अपने आप को एक्सेप्ट कर पाएंगे जैसे हम हैं, तब हम अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर पाएंगे खुद से, फिर हम भगवान के सामने एक्सेप्ट कर पाएंगे और एक दिन हम उन लोगों के सामने भी एक्सेप्ट कर पाएंगे. यस सोनिया जी, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. मेहंदी हंस अग्रवाल, हाउ टू डील विद अनटाइमली डेथ ऑफ लव्ड वंस, इट ऑल्सो देयर कर्मा. देयर इज सम फ्री विल ऑल्सो, अगर कोई सुसाइड कर लिया है तो वो उसकी अकाल काल कवलित हो गया है, लेकिन उसने जानबूझ के किया है. दे डिसाइडेड टू लीव दिस बॉडी एंड देन दे दे यूज देयर फ्री विल इन दैट वे, तो उनको फिर दूसरा शरीर नहीं मिलता है. तो वेदर इट इज देयर कर्मा और नॉट, आपका क्वेश्चन है कि मैं किसी की डेथ को कैसे एक्सेप्ट करूं, तो उसके लिए थोड़ा हमें फिलोसफी पढ़नी पड़ेगी, थोड़ी स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान करना पड़ेगा, उसे हमें समझना पड़ेगा कि ये विधि का विधान है, इसे हम बदल नहीं सकते हैं.
बुद्ध जी एक स्त्री थी, उसने अपने छोटे से बेटे को खोया, फिर उसने अपने पति को भी खोया, और उसने जाके बुद्ध जी को कहा कि आपके होते ऐसे कैसे हो गया। तो बुद्ध जी बोले कि हाँ, मेरी पूरी सहानुभूति है तुम्हारे साथ में, मुझे क्या भोजन करना है, तो तुम ऐसे घर से अनाज लाना जहाँ पर कोई मृत्यु ना हो, ना हुई हो कभी भी। तो वो सब घरों में जाती है और देखती है कि कहीं से भी उसे अनाज नहीं मिलता है, क्योंकि सब जगह मृत्यु हुई, ये मृत्यु लोक है जी, मेहंदी जी। तो दो चीजें होती हैं, एक तो हमें ये फिलोसफिकली समझना है, लेकिन हमारे इमोशंस का क्या, हम उस इंसान को मिस करते हैं, हम अकेला फील करते हैं, हम उनके साथ को मिस करते हैं, हमें जो उनके साथ कई सारी चीजें करनी थी वो सब मिस करते हैं, तो हमारी कई सारी भावनाएं होती हैं इन चीजों के प्रति। तो हमें उन भावनाओं को समझना है, अपनी फीलिंग्स को समझना है, और जो हमारी फीलिंग्स है वो कोई सेटिस्फाइड अनसेटिस्फाइड नीड्स है जिनके कारण हमारी फीलिंग्स होती है, राइट। उन नीड्स को समझना है, एक्सेप्ट करना है, और उन नीड्स को कैसे पूरा करना है उसके बारे में सोचना है। यस, तो ये दो लेवल पे काम करना है, एक स्पिरिचुअली अंडरस्टैंड करना है, और दूसरा अपनी जो फिर भी अंदर तो कुछ कुछ हो रहा है, राइट, उसे भी हमें सॉर्ट आउट करना है। उसके लिए हमारे पास में फ्लैश कार्ड्स है, टेक चार्ज ऑफ योर इमोशंस फ्लैश कार्ड्स, वो आप लिंक है डिस्क्रिप्शन में कनेक्ट विद नमिता के उधर, वहां पर आप नीचे देखेंगे टेक चार्ज ऑफ योर इमोशंस फ्लैश कार्ड्स, आप उन्हें खरीद सकते हैं और हम आपको उसे वो शिप कर देंगे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सिंधु लक्ष्मी जी, आई डोंट नो द दिस इज ब्लैक मैजिक टाइप ऑफ क्वेश्चन, आई डोंट आंसर एनी मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। लकी कुमावत जी, माता जी अगर किसी को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया है इसी लाइफ में, तो हमें अब क्या करना चाहिए, प्लीज गाइड। उसका ऑपोजिट करना चाहिए, हमें रोज बैठकर उनके बारे में पांच चीजें लिखनी चाहिए जो उनमें बहुत अच्छी हैं, राइट। उसका एंटीडोट वो है, बहुत पीड़ा होगी, बहुत मुश्किल होगी, लेकिन हमें वो लिखना है। अब हम किसी को क्रिटिसाइज क्यों करते हैं, क्योंकि ये शास्त्रों में कहा गया है, ये आप जान गए हैं लकी जी, वो बहुत अच्छी बात है, और आप इस पे काम करना चाहते हैं, ये भी एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा हम इसे टेक्निकली समझते हैं, राइट। तो ये ताकि हम इस चीज से आगे बढ़ पाए, क्योंकि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, राइट। हम लोगों को क्रिटिसाइज क्यों करते हैं, बिकॉज हमें, हम अपने आप में सिग्निफिकेंट नहीं फील करते हैं, हम जो जैसे हैं हम उसमें इनफ नहीं फील करते हैं, हम पूर्णता फील नहीं करते हैं। तो ताकि हमें पूर्णता फील हो, ताकि हमें अपने आप में कॉन्फिडेंस रहे हमारी जो कमियां हैं उनके साथ में, क्योंकि कमियां सब में हैं, इसलिए हम दूसरों को क्रिटिसाइज करते हैं, ताकि हम अपने आप में कम ना फील करें, और हमें उनसे थोड़ा जलन भी होने का चांस है, क्या उनके पास में कुछ ऐसी चीजें जो हमारे पास नहीं है, क्योंकि वो हमारे पास नहीं है, हम अपने आप को कम फील करते हैं, इसके लिए भी हम दूसरों को क्रिटिसाइज करते हैं, राइट। और ये सारा क्रिटिसिज्म इसलिए होता है ताकि हम सिग्निफिकेंट फील कर पाए। तो ये चीज समझना है, और पहले हमें ये समझना है, सेल्फ लविंग होना है, हमें ये समझना है कि नहीं, मैं पूर्ण हूँ, कंप्लीट हूँ, क्योंकि मैं भगवान का अंश हूँ, और जो भी मेरे में कमियां हैं वो हैं, लेकिन जो भी भगवान ने मुझे दिया है, जो क्वालिटीज दी है, उनको मैं कैसे भगवान की सेवा में आगे बढ़ूं, ये कॉन्शियसनेस डेवलप करनी है, सेल्फ लव डेवलप करना है, ताकि हम उन लोगों को क्रिटिसाइज ना करें आगे जाके, हम किसी को क्रिटिसाइज ना करें। जब हम में आत्म प्रेम होता है भगवान के कनेक्शन के साथ में, तब, और हम जब अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं द वे वी आर, कि हम मोटे हैं या नाटे हैं या काले हैं या गोरे हैं या कोई बीमारी है या कोई बोलने में प्रॉब्लम है या जो भी है, यू नो, या हम बहुत सक्सेसफुल नहीं हुए हैं लाइफ में, लेकिन जब हम अपने आप को फिर भी प्रेम करना सीख जाते हैं, तब हम दूसरों को से भी प्रेम करना सीखते हैं, और हमें उन्हें क्रिटिसाइज नहीं करते, क्योंकि हम ऑल्सो कॉम्पिटिशन में नहीं रहते। हमारे पास में 7 डे सेल्फ लव एफर्मेशन कार्ड्स है, स्पिरिचुअल सेल्फ लव एफर्मेशन कार्ड्स, जिनसे आप अपने आप को सेल्फ लविंग होके भगवान के साथ भी कनेक्ट होना सीखते हैं। तो वो कार्ड्स का भी लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसे क्लिक करके खरीद सकते हैं। अभी वो कार्ड सिर्फ इंडिया में अवेलेबल है, लेकिन अभी मैं US आ गई हूँ, तो धीरे धीरे हम यहाँ का भी ऑनलाइन स्टोर वगैरह सेटअप करेंगे, ताकि नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में भी अवेलेबल हो। यस लकी जी, होप दैट हेल्प्स। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हाउ टू हैंडल अ मैन हु इज हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। आई आंसर दिस क्वेश्चन टेक टीम जी, देर आर सम वेरी नाइस क्वेश्चन ऑल्सो।
please look at them as well. How to handle a man who's having extramarital affair? Is it your husband? Is it your, I don't know. I need more details to help answer this question. But in general, अभी जो भी बाहर हो रहा है वो सिचुएशन में सब लोग अलग अलग टाइप के डिसीजन लेते हैं कि एक्शन क्या लेना है इस सिचुएशन में, तो मैं उस पर कॉमेंट नहीं कर पाऊंगी बिकॉज ये आई डोंट हैव द डिटेल्स और ये इज नॉट द करेक्ट मीडियम. बट एक चीज मैं कह पाऊंगी जो कि मैंने अभी पिछले दो क्वेश्चन में कहा है कि अपने आप को संभालिए. यस, आप जो भी उस सिचुएशन में है, जो भी उस इंसान की पत्नी है, उसे जो भी लग रहा है, उसे एक अब ऐसा लग रहा है कि मुझ में कुछ कमी है, समथिंग इज रॉन्ग विथ मी, एक पेन महसूस हो रहा है कि अरे मेरा बना बनाया घर बिगड़ रहा है, मेरे बच्चों का क्या होगा, ये कैसे मैं इस इंसान के साथ रह पाऊँ, कैसे टॉलरेट करूँ, कैसे ट्रस्ट करूँ, कैसे इसको खाना दूँ, कैसे ये करूँ, कैसे इसके परिवार में भी सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, कैसे मैं क्या करूँ, और एक अकेलापन जो फील हो रहा है, एक सेंस ऑफ बिट्रेयल, एक सेंस ऑफ एक ऐसा लग रहा है कि आपके साथ में विश्वासघात हुआ है, वो सब से कुछ फीलिंग्स आप में उत्पन्न होती हैं. तो वो जब फीलिंग्स आप में उत्पन्न होती है तब उनको हैंडल करना है, अपनी फीलिंग्स को समझना है, उनके साथ बैठना है, उनको काम डाउन करना है, आपके शरीर में जो चेंजेस आते हैं उन फीलिंग्स के साथ में वो एनर्जीज को रिलीज करना है ताकि आप काम रह सके और आप अपने काम माइंड से, पीसफुल माइंड से, और आप अपने आप को हील कर सके ताकि न्यू डिजीजेस डोंट फॉर्म इन योर बॉडी बिकॉज ऑफ दिस हैवी फीलिंग्स. और अब एक काम माइंड से आपको जो भी एक्शन लेना है, जिस जो भी उस सिचुएशन में उसको जो भी एक्शन लेना है वो बराबर एक नॉन इमोशनल डिसीजन ले सके, नॉट फ्रॉम अ प्लेस ऑफ पेन बट फ्रॉम अ प्लेस ऑफ काम कॉन्फिडेंस. यस, तो ये हम कर सकते हैं. आपको अगर कार्ड्स चाहिए जो भी इस सिचुएशन में है, हमारे पास दो फ्लैश कार्ड्स है जो आप ले सकते हैं, टेक चार्ज ऑफ योर इमोशंस फ्लैश कार्ड्स एंड द स्पिरिचुअल सेल्फ लव फ्लैश कार्ड्स. आई थिंक देयर लाइक 700 rupees ईच इंक्लूडिंग शिपिंग एंड टैक्सेस इन इंडिया. आप वो ले सकते हैं. और हमारे बहुत सारे वीडियोज हैं रिलेशनशिप्स के ऊपर, कर्मा के ऊपर, मैंने अपने सब वीडियोज की प्लेलिस्ट लगा रखी है, आप वो देख सकते हैं. कोर्सेज हैं जो आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप अपने आप को हील कर सके इसे अब्यूसिव रिलेशनशिप्स में. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. हाउ कैन वी मैच आवर वेवलेंथ विद आवर पार्टनर व्हेन आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू कंटिन्यू रिलेशनशिप, पार्टनर वांटेड टू कंटिन्यू एंड वाइस वर्सा, इज देयर एनी सॉल्यूशन? मैं अभी यहां डिटेल्स नहीं है क्वेश्चन में. शशि सिंह जी, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन. I'm assuming this is a married relationship or any commitment. So any commitment to anybody we break, there will be karma associated with it. So आपको जो भी है consequences हमें हर चीज में deal करने हैं. ये वाले consequences deal करने हैं जिसमें आपको लग रहा है मेरी wavelength match नहीं हो रही, I need to walk out. या आपने किसी को you have been with them, given them, आपने verbally promise नहीं दिया होगा लेकिन आपने उनको एक आशा दिखाई है कि हम साथ में रह गए वगैरह, और मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा है, मैं चली जाती हूँ. मुझे डिटेल्स नहीं पता है आपके सिचुएशन के, तो मैं जनरल जैसा आपने लिखा है मैं उस लेवल पे ही आंसर कर रही हूँ. और सो शी इज नॉट मैरिड, कैन यू ब्रिंग बैक द फर्स्ट क्वेश्चन प्लीज? या द होल क्वेश्चन, या सो शी इज नॉट मैरिड. लेकिन अगर हमने किसी को कमिटमेंट दिया है, अगर हमने इमोशनली किसी को कमिटमेंट दिया है, यू मे नॉट हैव गिवन इट वर्बली, but if you walk out, there will be consequences. Now, आपको consequences deal करने ही पड़ेंगे. आप चाहे ऐसे कीजिए या वैसे कीजिए, there will be consequences for breaking relationships. Yes? Second thing is, मेरी wavelength match नहीं होती, मुझे continue नहीं करना है, मुझे, and if you have had a physical relationship, ये भी होता है, कई लोगों के physical relationships होते हैं, लिव इन पार्टनर्स होते हैं, बहुत कुछ होते हैं. मैंने एक शो किया है उसके ऊपर भी कि हाउ दैट अट्रैक्ट्स कर्मा, लिव इन पार्टनरशिप्स, यू कैन वॉच दैट. इफ यू हैड अ फिजिकल रिलेशनशिप विद समबडी, यू विल ऑलवेज बी कार्मिकली एंटेंगल्ड विद दैट पर्सन. तो आप वॉकआउट कीजिए या नहीं कीजिए, कर्मा इज गोइंग टू फॉलो यू. यस, उनकी एनर्जीज आप में मिली हुई रहेंगी. तो फाइनली इट इज योर डिसीजन
why it's not matching and which consequences you want to deal. There will be consequences everywhere. और another thing is wavelength is not matching. उसमें दो बातें हो सकती हैं, या तो वो इंसान बहुत बेकार है, वॉट एवर इट इज, या हमें कुछ अपने आप में परिवर्तन लाना है जिससे हम कई चीज़ों को सीख सके और आगे बढ़ सके. सो वी हैव टू लर्न हाउ टू सी एवरीथिंग एज अ लेसन. जनरल क्वेश्चन, जनरल आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. सोनिया अरोरा जी, सो इट इज ऑल अबाउट लॉ ऑफ कर्म एंड देयर इज नथिंग लाइक मैनिफेस्टेशंस एंड अफर्मेशंस. यस एंड नो. मैंने शो किया है इसके ऊपर भी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह पे भी. आई ऑल्सो हैव अ फुल कोर्स ऑन दिस. आपका जो मैनिफेस्टेशन और जो एफर्मेशन है, द लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, द लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, द लॉ ऑफ एनर्जी, वो लॉ ऑफ कर्मा के अगेंस्ट नहीं चलता है. ऑल दीज लॉज ऑफ द यूनिवर्स, दे वर्क टूगेदर, दे डोंट वर्क सेपरेटली. तो जैसे अगर किसी की कोई 30 साल का है, उनकी हाइट है 4'9", वो कितना भी एफर्मेशन और मैनिफेस्टेशन कर ले, वो उनका कर्मा ऑफ दिस लाइफ टाइम इज 4'9", तो वो 5'9" नहीं होने वाले हैं. मे बी इन सम नेक्स्ट लाइफ टाइम दे मे बी एबल टू मैनिफेस्ट दैट डिजायर, बट नॉट इन दिस लाइफ टाइम, बिकॉज इस लाइफ टाइम एक पर्टिकुलर कर्मा है. तो मैनिफेस्टेशन और एफर्मेशन हैं, दे विल वर्क विद इन द लॉ ऑफ कर्मा, दे विल वर्क विद इन द लॉ ऑफ ग्रेविटी. आप अगर मैनिफेस्ट करना चाहते हो कि मैं उड़ना चाहती हूँ, यस, लेकिन यहाँ लॉ ऑफ ग्रेविटी भी तो चल रहा है, उड़ नहीं सकते आप, मतलब विदाउट एनी प्लेन और एनीथिंग, विदाउट एनी डिवाइसेस, बस मैं उड़ना चाहती हूँ. तो वो लॉ ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट आपका लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन और एफर्मेशन नहीं चल रहा है. यस, बट समटाइम्स यू हैव सम गुड कर्मा टू एक्सपीरियंस, लेकिन आपके माइंडसेट में बहुत नेगेटिविटी है, आपके विचारों में एक स्ट्रेंथ नहीं है, एक बहुत डर है. तो और ये मैनिफेस्टेशन और एफर्मेशन भी सिर्फ बोलने से नहीं होता है, आंतरिक ट्रांसफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है. अभी बहुत लोगों ने इसके बारे में दुकान लगा रखी है, और वो जब आपको इजी दिखाते हैं, अच्छा आप ये दो स्टेप फॉलो करो, आप बस रोज ये एफर्मेशन बोलो, आपकी लाइफ ये ऐसे हो जाएगी, वो ऐसा बोलते हैं क्योंकि उनकी दुकान चलती है. सबको क्विक सॉल्यूशंस चाहिए, राइट? किसी को अंदर ही अंदर काम नहीं करना. अभी बहुत लोग ये शो देख के बाद में मुझे 10 जगह पे डीएम करते हैं, मेरी असिस्टेंट फिर मुझे बताती है, सबको चाहिए मुझे बस कोई टोटका बता दो सो दैट आई एम आउट ऑफ द सिचुएशन. ऐसा कोई टोटका नहीं है. ये जो टोटके भी हैं, जो भी और नॉट जस्ट टोटके, बट जो पूजाएं होती हैं, जो फल वगैरह होते हैं, जो यू नो, वो सब भी पश्चाताप के मूड में करना चाहिए. जब तक मानसिकता आपकी नहीं बदलेगी, तब तक नन ऑफ दीज थिंग्स आर गोइंग टू वर्क. सो जस्ट बाय रीडिंग सम एफर्मेशन, आपकी मानसिकता अगर नहीं बदल रही है, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट गोइंग टू वर्क. यस सोनिया जी, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. जय नारायण हजरा जी, इफ अ पर्सन गोज हिज लाइफ इन गुडनेस वे, डू गिव कृष्णा, डू कृष्णा गिव द बेस्ट लाइफ बैड कर्मा? व्हाट इज गुडनेस वे? मोड ऑफ गुडनेस जो है, सत्वगुण इज नॉट इनफ. जो भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, जो अगर हम पूरे उस ग्रेस में ही ऑपरेट करना चाहते हैं, जहाँ पे हमारे पर कोई भी भगवान ही पूरे हमारे सारे कर्मों को हटा दे, उसके लिए बहुत हाई लेवल ऑफ सरेंडर की जरूरत है. जस्ट लिविंग अ गुड लाइफ, नॉट हार्मिंग एनीबॉडी इज नॉट इनफ. एक इंटरनल सरेंडर होना जरूरी है, फिर भी आपका कर्म चालू रहेगा, बिकॉज टू हैव दिस बॉडी सम बैड कर्म इज नीडेड फॉर द बॉडी टू कंटिन्यू. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. Next question, please. Please put questions and not comments. Tech team ji, I'm here to answer questions. There are many questions there. We are a married couple since 5 years and no physical intimacy, but good understanding and love with each other. Is it some karma playing role with us? Every relationship is different. Her relationship एक अलग type का होता है, सब type के लोग होते हैं. तो जो movies में दिखाया जाता है, या ऐसे कोई template नहीं है कि एक relation में ये सब होना चाहिए. लेकिन एक चीज समझना जरूरी है कि there is a dharma
to produce progeny also. So that you have to understand. And another thing is that कुछ और ब्लॉकेजेस हैं क्या आप दोनों में जिनके कारण आप एक उस लेवल पे कनेक्शन नहीं हो पा रहा है. सो सी इट ऑल्सो एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर इनर कनेक्शन एंड इनर ग्रोथ एंड एवरीथिंग. क्या आपको अंदर से ब्लॉक हो रहा है, क्या पर्सनालिटी में कुछ ऊपर नीचे है वगैरह, वो सब भी देखना जरूरी है जिसके कारण दैट पर्टिकुलर धर्म ऑफ द रिलेशनशिप इज नॉट गेटिंग फुलफिल्ड. यस फॉर प्रोजेनी. यस नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. I already answered this question, Tech Team G. Shashi Singh Ji, Mataji, after setting boundaries, although we are entangled energetically, but karma will act or not? Yes, karma will act. Just because you set a boundary doesn't mean karma will not act. Karma will always act. You're never going to get rid of your karma unless you follow what we have shared in this, we have shared in this video. Where you have आपने अपने आप को elevate किया है literally. It's not just about setting boundaries. आपने consciousness को elevate नहीं किया है तब तक आपको बार बार वही relation वही lesson मिलता रहेगा. जब हम अपनी consciousness को elevate करेंगे, जैसे हमने तीसरी कहानी में देखा, उसका choking sensation चला गया. Yes, so lessons have to be learnt. Boundary setting is not enough. And energetically entangled is basically karmically entangled. Yes, next question please. रंजना झा जी, रिश्ते में कोई हमें वैल्यू नहीं दे रहा हो तो हम उसके साथ कैसा व्यवहार करके प्लीज बताएं. रंजना जी, अच्छा क्वेश्चन है. बहुत लोग हमें रिश्ते में वैल्यू नहीं देते हैं. मेरा यहाँ पर यस आप टैक्टिक्स होने चाहिए हमें उनके साथ कैसा व्यवहार करना है वगैरह, लेकिन सबसे पहले हमें अपने आप को ट्रू वैल्यू देना सीखना है, आत्म प्रेमी बनना है, अपनी अपनी जो आवश्यकताएं हैं, अपनी जो भावनाएं हैं उनका ध्यान देना है, हमारे जो गोल्स हैं एस्पिरेशंस हैं उसका ध्यान देना है, अपने आप का ध्यान देना सीखना है, अपने शरीर का, अपनी इंटेलेक्ट का, आत्मा का, मन का, अपने स्पिरिचुअलिटी का. हमें अपना अपना फैन बनना है, अपना ध्यान देना सीखना है साथ में अपनी ड्यूटीज करते हुए. तो जब हम अपना ध्यान देना सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं, दो चीज़ें होती हैं और भगवान के साथ कनेक्ट होते हैं तो दो चीजें होती हैं. एक तो हमें इतना अफेक्ट नहीं करता है कि कोई हमें वैल्यू दे रहा है कि नहीं, राइट. वी वॉन्ट टू बी वैल्यूड. लेकिन जब हम अपने आप को वैल्यू देने लगते हैं तब हम ऑटोमेटिकली हम सेटिस्फाइड फील करते हैं, पीसफुल फील करते हैं. तो हमें इतना फर्क नहीं पड़ता है कि कोई हमें वैल्यू दे रहा है कि नहीं दे रहा है. दूसरी बात यह होती है कि जब हम अपने आप को वैल्यू देना सीखते हैं, अपना ध्यान अच्छे से रखना सीखते हैं, और मैं नहीं कह रही हूँ कि सेल्फ ऑब्सेशन में आप बिजी हो जाइए, बिकॉज वो एक अलग स्पेक्ट्रम है जिसमें आप एक नकारात्मक और एक गलत जीवन में नीचे चले जाएंगे. अपना ध्यान रखते हुए अपनी ड्यूटीज और सेवाओं का भी ध्यान रखना है. यस तो जब दूसरी बात ये होती है कि जब आप अपना ध्यान अपने आप को एक रिस्पेक्टफुल वे में, अपने आप को एक वैल्यू देते हुए जीना सीखते हैं, तब आप ऑटोमेटिकली उन रिश्तों में नहीं फंसते हैं, या आप उन रिश्तों से मतलब अपने आप एक जहां पर आपको बराबर ट्रीट नहीं किया जा रहा है, आप आपका अपना आप एक रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस हो जाता है उनसे, राइट. अभी जैसे कोई साफ जगह पर बैठने का आदि है, वो अपने आप गंदी जगह पर जाकर नहीं बैठता है. यस तो ये एक चीज है रंजना जी. सो बिफोर वी लर्न टैक्टिक्स ऑफ हाउ टू डील विद समबडी एल्स, पहले हमें खुद को सेल्फ पार्टनर और सेल्फ स्ट्रांग होना है. उसके लिए हमारे पास में सेल्फ लव एफर्मेशन कार्ड्स है जिनसे आपके बुद्धि में भी परिवर्तन आता है और आप अपने आप को थॉट प्रोसेस चेंज करके आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं रंजना जी. तो आप वो ले सकते हैं, वो लिंक है डिस्क्रिप्शन में. आई थिंक टू मोर क्वेश्चंस एंड देन वी एंड. सिंधु लक्ष्मी जी, we already said not answering this question. Next question please. I don't understand this question. Next question please. We already did that. We already took that question, Tech Team G. Let me take the questions. Yes, yeah, I'll take the questions. Okay, I'll just read out from here.
उर्वशी चौहान जी, हरे कृष्णा माता जी, मुझे इस लाइफ में क्यों भेजा गया है? कुछ अच्छा नहीं लगता, क्या करूं? उर्वशी जी, ऐसा बहुत लोगों को अनुभव होता है, आपको ही नहीं होता है। आप ये ना एक कॉमन फीलिंग होती है बहुत लोगों की, जिनको लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। ऐसा लग रहा होता है कि उन्हें बहुत कुछ अच्छा लग रहा होता है, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें अच्छा नहीं लग रहा होता है, डिस्कनेक्शन फील हो रहा होता है। तो क्या किया जाए उर्वशी जी? तो हमें ये समझना है कि हम यहाँ पर हैं हमारे कर्म भोगने के लिए, अच्छे कर्मों का फल भोगने के लिए, और जो हमारे इतने अच्छे कर्म नहीं थे उनको भी भोगने के लिए। तो हमें ये इसलिए ये जन्म मिला है, हम इसलिए हैं ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि की साइकिल में। और ये जो अभी हमें क्या है, ये जो जीवन का जो उद्देश्य है उर्वशी जी, हमें इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि की साइकिल से निकलना है, ताकि हमें हम वहां जाए जहां पे अच्छा लगे। जब हम घर से दूर हो जाते हैं, जब जैसे मैं घर से दूर हूँ, अब मैं नया नई जगह पे इस्टेब्लिश हो रही हूँ डैलस में वगैरह में, तो कई चीजें अच्छी नहीं लगती हैं। लेकिन जब हम सेवामय रहते हैं और हम ये सोचते हैं कि हम इस जीवन को भगवान की सेवा में कैसे व्यतीत करें, तब हमें आनंद की अनुभूति होती है, बिकॉज वो हमारा रियल कनेक्शन है, रियल है, रियल घर है उसके साथ में है। तो ये जीवन यहाँ पर सुख नहीं है उर्वशी जी, हम सब यहाँ सुख की अनुभूति करने की बहुत चेष्टा करते हैं, लेकिन यहाँ पर सुख नहीं है। यस, तो जब हम अपने जीवन को इस वे में सेवा के हिसाब से कनेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं, तब हम इस जीवन में थोड़ा सुख पा पाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ भगवान से कनेक्शन में होता है। अब रही दूसरी बात कि हमें फिर भी इस जीवन में हमारी ड्यूटीज करनी है, हमारे को जो इस जीवन में व्यक्तित्व मिला है उसमें आगे बढ़ना है, अपने आप को कर्म में रहना है, ताकि उस कर्म से हम भगवान को कनेक्शन कर सके। तो उसमें हमें थोड़ी अपनी फीलिंग्स को समझना पड़ेगा कि मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा है, मेरे कौन से विचारों में। सो जो हमारी जो सारी फीलिंग्स होती है ना, वो हमारे थॉट प्रोसेस से कनेक्टेड हैं। यस, हमारी जो सारी फीलिंग्स हैं वो हमारे थॉट प्रोसेस से कनेक्टेड हैं। तो जैसे हम सोचते हैं वैसी फीलिंग्स होती हैं, राइट? तो अगर हमारे मन में है कि नहीं, मेरे जीवन में ऐसा ही होना चाहिए, तब वो वैसा नहीं होता है तो हम दुखी हो जाते हैं, या इन लोगों को मेरे साथ में ऐसे ही बात करनी चाहिए, ये हमारे एक विचारधारा है, जब वो वैसे बात नहीं करते हम दुखी हो जाते हैं। तो अगर हम अच्छा फील नहीं कर रहे होते ना, तो उसका कई सारा कारण ये भी होता है कि हमारे विचार कैसे हैं, हम कैसे सोचते हैं, हमारे क्या बिलीफ है, क्या थॉट्स है, क्या इनर स्क्रिप्ट्स है, और हम उनमें कैसे परिवर्तन ला सकते हैं। तो उनको परिवर्तन लाने से भी हमें थोड़ा रिलैक्स फील होता है, थोड़ी खुशी की अनुभूति होती है, थोड़ा इतना अच्छा नहीं लग रहा है, दुखी दुखी फील हो रहा है, वो सब फीलिंग्स नहीं आती। तो ये दो चीजें करनी है आपको उर्वशी जी। विश यू ऑल द बेस्ट। लास्ट क्वेश्चन, श्रुति कुमार, डोंट टेक दैट क्वेश्चन श्रुति कुमारी जी, मैंने ये क्वेश्चन किसी और के लिए आंसर किया है, जो आपका हीन भावना वाला क्वेश्चन है रंजना झा के लिए, तो वो आपके लिए भी होगा। और कुबेर, कुबेर जी का अच्छा क्वेश्चन है, 10:58 यहाँ AM दिख रहा है, लास्ट क्वेश्चन। माता जी, किसी के साथ गलत करने वाला व्यक्ति उसे उसका फल दे रहा है या नया कर्म कर रहा है? वेरी नाइस क्वेश्चन कुबेर जी। ये हम ये जैसे कि अभी जो हमने कहानियां डिस्कस करी, कि जो जो लास्ट वाली कहानी थी कि भाई मैं मुझे इसके साथ रिश्ता करना है, लेकिन बहुत 5-6 साल से ब्रेक इन ब्रेकआउट, यू नो, स्पैच अप हो रहा है, फिर ब्रेकअप हो रहा है, फिर ये हो रहा है, फिर वो हो रहा है, आई एम कंटिन्यूसली एंटैंगल्ड है। तो इसमें क्या है कि तो इसमें क्या वो जो पुरुष है जो पिछले जन्म में कैप्टन था, और जिसने उस लेडी ने उसको नकार दिया था एज अ हस्बैंड, तो क्या अभी वो ये जन्म में जानबूझ के उसको उसका कर्म दे रहा है, राइट? और इन द अदर स्टोरी हम देख सकते हैं कि ये जो तो जो हमें कर्म दे रहा है, यस, वो पिछले जन्म में हमने उसके साथ में ऐसा किया है, वो हमें कर्म दे रहा है, लेकिन वो साथ में और कर्म बांध भी रहा है कुबेर जी। तो जो हमने एंथनी की कहानी देखी, तीसरी जो कहानी थी, एंथनी, उसे एक जन्म में उसने उसका गला घोटा, लेकिन बाकी के दो जन्म में उसने रिएक्ट नहीं किया, और तीसरे जन्म में उसके बाद में उसने ग्रेसफुली एक्सेप्ट किया कि इसको उसके साथ प्रेम है, लेट देम बी हैप्पी, ही वाज हैप्पी फॉर देम, ही हैड नो ग्रज और एनीथिंग। तो
उसलिए वो उसने और कर्म नहीं बांधे, लेकिन अगर वो और उसके पीछे जाता उसको उसका कर्म देने के लिए वापस, तो वो और कर्म बांधता। तो दोनों बातें होती है। वो जो लोग हैं दे आर वाया मीडियाज, वो इंस्ट्रूमेंट है हमें हमारा कर्म देने के लिए, लेकिन वो भी एक चॉइस है, दे कैन चूज नॉट टू बिहेव लाइक दैट, राइट। तो अगर वो चूज करते हैं वापस एक एक्शन रिएक्शन में जाने के लिए, वो लोग भी कर्म बांध रहे हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है, और ये बहुत बड़ा कर्म होता है व्हेन वी ब्रेक पीपल्स हार्ट। चाहे हम सोचे कि अरे म्यूचुअली हम अभी सेपरेट हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, यू हैव ब्रोकन सम हार्ट समवेयर, और उस पर्सन की जो एनर्जी है वो आपके पीढ़ी दर पीढ़ी, दैट एनर्जी इज गोइंग टू इम्पैक्ट, द कर्म ऑफ दैट इज गोइंग टू इम्पैक्ट, अनलेस यू रियली अंडरस्टैंड द लेसन यू नीड टू लर्न एंड मूव फॉरवर्ड इन रिलेशनशिप कर्मा। तो ये किसी का भी हार्ट ब्रेक करना, किसी को जज करना, किसी को आश्रय का प्रॉमिस देके उसे वो आश्रय नहीं देना, बिकॉज नाउ आई फील डिफरेंटली, मुझे अब मेरा माइंड चेंज हो गया, ये वो। आजकल ही हम नेटफ्लिक्स हॉटस्टार वगैरह पे ये सब दिखाते हैं, एंड इट लुक्स वेरी ग्लैमरस, और ऐसा लगता है कि नहीं अभी ब्रेकअप हो गया बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग सो गुड इन दिस रिलेशनशिप, माई नीड्स आर नॉट बींग मेट। आपकी जो नीड्स है वो किसी के साथ में भी मेट नहीं होने वाली है, दैट इज बाई डिजाइन। The point is to accept and do it as a duty and move ahead in life. Yes, that is the path to elevation. Breaking people's hearts in relationships, any relationship, even with your pet, even with the cow, there is massive heavy karma around that. So we ye sab hamari ye relationships hamare enjoyment ke liye nahi bane hain. Ha, inme sukh hai, inme ras hai, but ye duty hai, ye ek seva hai, ek bhagwan ka kaam hai. हमें उसे वैसे समझ के आगे बढ़ना है। हाँ, अगर हम एंजॉयमेंट सोचते रहेंगे तो आज इधर एंजॉयमेंट मिल रहा है, कल कहीं और मिल रहा है, हम वैसे ही भागते रहेंगे और कर्म बांधते रहेंगे। लेकिन हमें वो जो नेटफ्लिक्स वाली जो कॉन्शियसनेस दिखाई जाती है उससे हमें एलिवेट होना है, और हमें ड्यूटी समझ के एक ग्रेविटी के साथ आगे बढ़ना है। दैट इज माई मैसेज टू यू, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, और प्लीज एवरी डे सीक फॉरगिवनेस फ्रॉम ऑल दोज सोल्स जिनको हमने हानि पहुँचाई है, जिनको हमें हमने तकलीफ पहुंचाई है। भगवान से क्षमा मांगे, भगवान से डायरेक्शन मांगे कि मुझे इस सिचुएशन में क्या लेसन सीखना है, और वो लेसन पे फोकस्ड रहिए। मुझे इस रिलेशनशिप में खुशी या दुख महसूस हो रहा है, कोई मेरे साथ कैसा बर्ताव कर रहा है, उस पे फोकस करने के बजाय लेसन पे फोकस कीजिए और आगे बढ़िए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू एवरी वन, एंड थैंक यू सो मच, हरे कृष्णा। और ये जो टॉक है इसका लिंक आप अपने बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, मेरे साथ भी जुड़िए। कनेक्ट विद नमिता के बहुत सारे लिंक्स हैं, मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरा लिंक्डइन है, फेसबुक है, कई सारे हमारे कोर्सेज हैं, फ्लैश कार्ड्स हैं, उनके साथ कनेक्ट कीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और हरे कृष्णा टीवी को इस चैनल को भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, और डोनेशन दीजिए ताकि ये चैनल आपकी सेवा में बहुत अच्छे अच्छे चीजें, बहुत अच्छी अच्छी सीख की बातें ला पाए और आपके जीवन में उत्थान हो। थैंक यू एंड हरे कृष्णा।